पैसा तो दे देते हैं पर वापस नहीं आता। और जिसके ग्रह खराब है उस पे वास्तु भी असर करती है। हमारी ज्ञान को, हमारी साइंस को नेस्त नबूत कर दिया गया है। महामृत्यु के देवता, उसके आगे कुछ नहीं है, अनंत है। और कुछ दो तीन सालों बाद आपसे टाइम लेने के लिए लोग तड़पेंगे। हाँ। ये मैं आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। फादर को अल्कोहल की समस्या होती है। बहुत बढ़िया, आपको उपाय मैं बताऊंगा। आज के डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में हम लोग लेकर आए हैं आपकी डिमांड पे, हमारी कम्युनिटी की डिमांड पे, साक्षी ठाकुर जी एंड संजीव ठाकुर जी। ये कपल एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, स्विच वर्ड्स और इन सारी ऑकल्ट साइंसेस का पटारा है। हमने बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करे हैं जहाँ पे हमने जाना इन इंडस्ट्रीज को। हमने बहुत सारे एपिसोड ऐसे रिकॉर्ड करे हैं जहाँ पे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है, हमने बहुत गहराई में जाके जाना है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, इनसे क्या फर्क पड़ता है, कौन से हाउस में कौन सा ग्रह है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पर आज के एपिसोड में वी हैव रेमेडीज। आज के इस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में हमने जाना है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आपके घर में पैसे की समस्या है, उधार बढ़ता जा रहा है या फिर उधार दे चुके हो और पैसा वापस नहीं आ रहा है, कोर्ट कचहरी के पचड़ों में पड़े हुए हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड समस्या है, इन सारी परेशानियों के हमने रेमेडीज पे बात करी है और जाना है कि स्विच वर्ड क्या होते हैं। स्विच वर्ड दिए हमें बहुत सारे मैम ने, जो कि आपको कुछ कुछ स्विच वर्ड 51 बार, कुछ कुछ स्विच वर्ड 55 टाइम्स बार, कुछ कुछ 108 बार बोल रहे हैं और उनसे आपकी लाइफ में इंपैक्ट आएगा। इन सब चीजों के पीछे की साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, हमने वो भी जाना है। हमने कोई भी बिना सर पैर के बातें नहीं करी है। सो दिस एपिसोड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको सारी फील्ड की एक एपिसोड में बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली है। दिस एपिसोड इज इंपॉर्टेंट। आप कुछ कुछ उपाय करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। अगर फर्क दिखता है तो प्लीज कॉमेंट में आए फिर से और बताएं कि यार मेरे को वरुण सच में रिजल्ट मिला है, सो दैट मैं इनको फिर से इन्वाइट करूंगा और डेप्थ में रेमेडीज निकलवाऊंगा। सो दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेली लाइफ की सारी रेमेडीज मिलने वाली है। सो एंजॉय दिस एपिसोड, लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड, एंजॉय डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सो हेलो मैम, हेलो सर। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे। वेलकम टू एडॉन टॉक्स। एंड सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी में इतने सारे लोगों ने बोला है, इतने सारे मेरे को मैसेज आए हैं कि आप दोनों को लेके आओ। आप दोनों का पॉडकास्ट लोगों ने पहले वाला देखा और उसके बाद से सब फैन हो गए, सब जानना चाहते हैं कि रेमेडीज़, आप लोग रेमेडीज़ एक्सपर्ट हो। तो आज हम बात करेंगे, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और वास्तुशास्त्री और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट करे और हमने अब तक बात करी थी कि कौन से हाउस में कौन से प्लैनेट का क्या इम्पैक्ट होता है। बट अब क्योंकि हम सारी चीज़ें नहीं जान सकते थे सारे बड़े एपिसोड्स में, तो आज हम बात करेंगे रेमेडीज पे। तो सबसे पहले आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे, एक बार इंट्रोडक्शन दे दो सो दैट लोग वहाँ से स्टार्ट करें। पहले तो राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आज अवश्य ही और अवश्य ही हम बहुत अच्छी रेमेडी, जैसे जन्मपत्री भी लोग देखते हैं, सारे हाउसेस की जो प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से आप लोगों को उपाय बताते हैं, लेकिन जनरल भी रेमेडीज होती हैं, जो आम रेमेडीज हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप घर पे ही बैठे बैठे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वेरी इजी। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत इजी है। किसी भी गुरु, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी विद्वान के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आप छोटी छोटी सी आज रेमेडीज लिख लीजिएगा और उनको कीजिएगा और अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा, नहीं सर? एग्जैक्टली। और पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि अवश्य ही आपके चैनल पे आपने आने का हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच। राधे राधे जी। मैं तो सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगी कि देखिए हम लोग जो है एस्ट्रोलॉजी से भी आप लोगों को बताते हैं, कुछ आपको स्विच वर्ड्स भी आज आपको बहुत सारे देने जा रहे हैं, वो वैदिक भी हैं, इटालियन भी हैं और साथ में आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आपको चीज़ें बताएंगे और वो ऐसी यूनिक चीज़ें होंगी कि जहाँ पर जो आपने कभी किसी को सुनी नहीं होंगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आज आपको हम बहुत सारा जो है पिटारा जो है उपायों का खोलने वाले हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए और सारे जो है उपाय जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं सर, कि मेरे मालिक जैसे कि हम पूरा पैकेज बनाते हैं, लोग क्या होते हैं वास्तु के लिए किसी और के पास जाते हैं, जन्म पत्री के लिए किसी और के पास जाते हैं और न्यूमरोलॉजी के लिए किसी और के पास जाते हैं, और उसमें भी सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए भी तीन लोगों के पास चले जी 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 ठीक है जी। करेक्शन के लिए किसी और के पास, नेम करेक्शन के लिए किसी और के पास जाते हैं और सिग्नेचर करेक्शन के लिए किसी और के पास जाते हैं।
तो ओवरऑल पैकेज है ये, जैसे हम पत्रिका से भी ठीक कर देते हैं लोगों को, अब किसी के पास जन्म पत्री नहीं है तो हम पर्शन कुंडली लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्शन कुंडली उतनी सटीक नहीं होती, जैसे डेट ऑफ बर्थ तो टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है टाइम नहीं है, तो हम न्यूमरोलॉजी से उनका निकाल देते हैं या उनका नेम ठीक कर देते हैं, उनका फोन नंबर ठीक कर देते हैं, काफी सारी चीजें हैं जिससे उसे असर आ जाता है जिसके पास जन्म पत्री नहीं है। तो एक पूरा हमारे पास पैकेज है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो दुखी होके जाएगा। और एक हमें बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मैं खुद भी मानता हूं कि अगर आपने हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे दिया तो आपको प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं बताना, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और आप किस लिए हमारे पास आए हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है ये भी हम आपको बता देंगे उसी समय। राइट, और इसका छोटा सा ट्रेलर में अभी देख चलूंगा। जी जी, अभी आते हमने जस्ट 2-3 सेकंड के लिए आपकी पत्रिका खोली, 2-3 बातें हमने की तो आपको लगा कि अरे भाई ये तो क्या हो रहा है, सवाल नहीं मैं लिया। तो सही बात है। यही मैं सबको कहना चाहूंगा कि आपको एक असली गुरु ढूंढने की जरूरत है। यही सवाल था। कम्युनिटी में भी ना बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम, मतलब मेरे पास अब ना बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि हमने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया और 2-2 साल तक हमने बस पैसा लगाया और बहुत सारी रेमेडीज करी, और सिर्फ सिंगल नहीं, जब क्या होता है कि फैमिली का एक इंसान भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है ना तो धीरे धीरे फैमिली के 4 लोग 5 लोग सब चले जाते हैं और वो लपेटे में आ जाते हैं। तो मेन मोटिव भी हमारा डॉन टॉक्स पे यही है कि हम एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर्स को लेके आए जो एक्चुअल में बताए। तो सबसे पहला सवाल यही मैं पूछना चाहूंगा लोगों के बिहाफ पे कि हम एक सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचे कैसे, कैसे फिगर आउट करें कि ये सही एस्ट्रोलॉजर है। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल आपका प्रश्न है। देखिए मेरे मालिक, ये आपने प्रश्न बड़ा ही मुश्किल पूछ लिया है क्योंकि ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब हम आपके सामने बैठे हैं, आप बात को समझिए, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ब्रॉडकास्ट में नकली लोग भी आ रहे हैं, ये सच्चाई है, ये आप भी मानेंगे मैं भी मानूंगा, तो आप पकड़ना मुश्किल है। आप कैसे पकड़ सकते हैं ऐसे कि आप चुपचाप गुरु के सामने बैठ जाइए, बस गुरु को बोलने दीजिए। और हम तो गारंटी देते हैं अगर रेमेडीज आपको लगती हैं तो 15 दिन में असर आ जाता है। अच्छा। हम हमारे पास जो भी कोई आता है मैं कहता हूं प्रभु जी आप रेमेडीज कीजिए, 15 दिन में अगर आपका रंग साफ होने लग गया, लोगों के मुंह पे इतनी इतनी कालक होती है, फेशियल करवाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें लगाते हैं, इतनी महंगी महंगी छाइयां पड़ जाती हैं, जो मेरी प्यारी बहनें हैं या मेरे प्यारे भाई हैं या बुजुर्ग हैं, मैं कहता हूँ 15 दिन ये उपाय कीजिए, आपके चेहरे से कालक हट जाएगी। कालक जी, जी, ये जो कालक है ना ये मैं बताना चाहती हूँ, जैसे शनि हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए जी, तो हमारे क्या करता है कि वो गाल जो होते हैं हमारे शुक्र कहलाते हैं, गाल जितने आपके गाल उभरे होंगे उतना आपका शुक्र अच्छा होगा। तो ये गाल जो है आपके, अगर यहाँ से आपके पिगमेंटेशन आ जाए, अगर आपके गालों पर यहाँ पर कालक सी आ जाए तो समझ लीजिए सबसे पहला आपका कारण ये होगा कि आपका जो है शनि और शुक्र दोनों ग्रह आपके खराब होने शुरू हो जाएगा। शनि आपकी कालक दे देगा, शनि आपको पूरा फेस को काला कर देगा और कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे फेस पहला तो साफ था और अब एकदम से काला कैसे हो गया। तो ये चीजें भी आपको उपाय करने से आप हट जाती है और बहुत लोगों की हटी है। और उपाय करते ही within 2-3 days आपको समझ में आ जाएगा, आपका माइंड शांत होने लग जाएगा, आप खुश रहने लग जाएंगे, आपका चिड़चिड़ापन चला जाएगा, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा और फिर आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये क्या होता है, उपायों से अगर सही रेमेडीज आपको कोई देता है, उपाय देता है, तो वो आपके ग्रहों की एनर्जी बैलेंस कर देता है। मतलब कि किसी अगर ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो कम कर देंगे और पॉजिटिव आ रही है तो उसको बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, बहुत सिंपल सी बात है। आपके बॉडी में भी अगर कहते हैं ना आप ज्यादा खाओ तो उसके बाद शुगर बढ़ जाती है ना, तो शुगर क्यों बढ़ती है, ज्यादा खाने से बढ़ती है। और दवाई क्या करती है फिर, बैलेंस मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बैलेंस कर देती है ना, सिंपल से। ऐसे ही हम ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, ग्रहों को बैलेंस करके हम जो हमें ग्रह नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं उसको शांत कर सकते हैं, जो पॉजिटिव दे रहे हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा अच्छे ग्रह हमारे उठाने में मदद करेंगे और बुरे ग्रह चुपचाप सो जाएंगे। बड़ा इजी सा ये लॉजिक है, बहुत ज्यादा।
और ग्रह कहाँ पे हैं, कैसे हैं, वो फिगर आउट हम नहीं कर सकते उसके लिए हमारे पास। वो तो ऐसा होता है ना कि लोग जैसे ग्रह, तो अब जैसे आपकी कुंडली में बेसिक ग्रह जो है वो बैठे हुए हैं, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे थे, लेकिन अब जो ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट यानी कि जब ग्रहों का गोचर होता है उसमें ग्रह जो है वो हिलते हैं। ठीक है, गोचर के प्लैनेट्स कभी आपको जो है बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए आ रहे होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि सिंपल आजकल देखिए आप हर घर में एस्ट्रोलॉजर बैठ गया है, तो क्या कहते हैं कि वो क्या करते हैं कि नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो गई है, तो वो क्या करेंगे कि आपके जैसे अब आपको शनि देव जो है पैसा देने के लिए आए हैं, तो आपके वो शनि देव अगर अब आपकी मैंने जैसे कुंडली देखी, तो आपकी कुंडली में शनि देव आपको पैसा देने के लिए आए हैं, अब कोई आपको एस्ट्रोलॉजर ये बोले क्या कहते हैं आप शनि के दान कर दीजिए, तो फिर वो शनि देव ने जो पैसा देना है ना वो वहीं पर सो जाएंगे, वो आपको फिर पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शनि के तो आपने दान कर दिया, उसकी पावर को आपने वीक कर दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपको जो है ना सोच समझ के अपनी कुंडली के उपाय करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो जो ग्रह पैसा देने के लिए आया है उसके आप दान कर दें, और जो आपको जो है नेगेटिव कर रहा है उसकी पावर को आप बढ़ा रहे हैं मंत्र जाप कर करके। तो ये पूरी कुंडली को बैलेंस करना होता है, तो हम वही चीज़ हम लोग करते हैं। तो चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, सिग्नेचर से, आपके नेम कलेक्शन से, अब नेम का भी आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अब लोग कहते हैं कि हमने तो अपने आधार कार्ड पर नेम लिख लिया, आधार कार्ड पर हमने नेम लिख लिया, अब उसको जो है पासपोर्ट पे नेम को हम कैसे चेंज करें। हम कहते हैं कि आपको दो तीन तरीके आपको बताते हैं कि उससे अब आपको अपने नेम को चेंज करना है। जैसे कि आपको 43 डेज तक आपको जो न्यू नेम की स्पेलिंग है उसको आप अपने एक पेपर पे लिखिए, आपको 43 डेज में ही पता लगने लग जाएगा, आपको कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है उस स्पेलिंग को, आपको 43 डेज में पता चल जाता है कि ये मेरा नेम जो है मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दूसरा एनर्जी से। और देखिए अब जब उस नेम को, जो करेक्शन वाला नेम है, अगर उस नेम को अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, आईडी पे अगर आप यूज करते हो, उसकी ईमेल एक आईडी क्रिएट कर लेते हो तो अपने नेम से, तो क्या कहते हैं उससे क्या होता है सर्वर इम्पैक्ट। सर्वर क्या करता है, हर चीज को मल्टीप्लाई करता है, आपकी एक रील डालते हो उस रील को मल्टीप्लाई करके और लोगों तक पहुंचाता है, ऐसी आपका नेम आपको फेम, आपको गेन, आपको जो है सक्सेस दिला सकता है। और साक्षी जी बहुत अच्छी बात कही आपने, और आज हम, मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग हैं मेरे मालिक, उनको आज हम वास्तु से भी रेमेडीज बता के जाएंगे। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है जी, तो साक्षी जी आज वास्तु से बताएंगी कौन से दिशा में क्या करने से आपके शादी के रास्ते खुलेंगे, और मैं वैदिक से और लाल किताब से बताऊंगा, देखिए फायदे हो गए ना दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और ये सब अब बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चे को कहाँ पढ़ना चाहिए, साक्षी जी वास्तु से बताएंगी और मैं वैदिक को लाल किताब से बताऊंगा। परफेक्ट, तो अब हम ऑडियंस को ऐसे समझा देता हूँ कि आप बताने वाले वास्तु से और आप बताने वाले लाल किताब, कोई भी बता देगा कोई। देखिए हमारे पास जो है ना बहुत सारी चीजें, हम लोगों का पास भंडार है, तो हम लोग केपी से भी देखते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, वास्तु से भी देखते हैं, जैमिनी से भी देखते हैं, वो सब चीजों का सब कुछ हमारे ये माइंड में स्टोर है चीजें, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका आपको। अब वैदिक में क्या होता है, जैसे वैदिक के ये सारे पार्ट है, वैदिक में क्या होता है मंत्र जाप, मंत्र जाप कई लंबे पीरियड तक आप करते हैं तो असर आता है, आता है लेकिन लॉन्ग पीरियड टाइम देना पड़ता है। और या रतन पहनी, वैदिक का ये कॉन्सेप्ट है, लाल किताब में होता है आज उपाय कीजिए कल असर देखिए। ओके, मैं वही पूछ रहा था कि इन सब में डिफरेंस क्या है, कि यही डिफरेंस है, इसके पीछे की साइंस क्या है। और देखिए जो वैदिक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बड़ा मजा आने वाला है आज बहुत, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताने वाला हूँ बहुत सारी। जो वैदिक है ये हजारों करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बना दी थी, ठीक है जी। आप हम आज भी लोग कहते हैं 8 प्लैनेट 9 प्लैनेट हमें पता चल गए हैं, एक प्लैनेट बहुत ही छुपा हुआ प्लैनेट है जो अभी तक इतना कंफर्म है, जो हमारी सैटेलाइट है, जो इंसानों ने एक रोबोट कह लीजिए या सैटेलाइट कह लीजिए, 9 ग्रह हमारे ब्रह्मांड में, हमारी जो ये ब्रह्मांड है, गैलेक्सी भी नहीं की भी बात नहीं कर रहा हूं अभी, ब्रह्मांड है, उसके बारे में अब जाके पता चला है। आपने कभी इस बात को सोचा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कब पता कर लिया था इस चीज को, सोचिए। सूर्य चंद्रमा आप देख पा रहे हैं, है ना, क्लियर है सूर्य चंद्रमा, लेकिन
आपको पता है इससे पहले दो प्लेनेट भी होते हैं, अर्थ से पहले दो प्लेनेट शुक्र और बुध, मरकरी वीनस। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बता दिया, भैया शुक्र भी है और बुध भी है और पृथ्वी के बाद आपका शनि भी है, मंगल भी है और बृहस्पति भी है, नेपच्यून प्लूटो है ना, एक और प्लेनेट मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, अभी रिसेंटली सर्च हुआ है, एक और भी हो गया जी, हाँ नाइन्थ भी हो गया है, वो आपकी ऑडियंस लिख देगी नीचे। हाँ, वही मेरे को लोगों को एट प्लैनेट्स पता है, अभी एक सैटेलाइट जो है हमारी ब्रह्मांड को भी पार कर गई है। ओके, पार कर गई, आखिरी एक और प्लैनेट है जो बड़ा ही लाइट सा दिख रहा है लेकिन उसकी भी पिक्चर्स खींच के भेजी है, वो सैटेलाइट क्रॉस कर गई हमारे ब्रह्मांड को। अब हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने क्या बता दिया था, आप सोचिए कि कौन सा प्लैनेट किस रंग का है। देखिए मरकरी का रंग बता दिया, ठीक है, अब आपके वीनस का रंग बता दिया, आपके मंगल ग्रह का रंग बता दिया, ऑरेंज लाल, ठीक है जी, शनि का काला, नीला काला, और फिर उसके बाद किसका बता दिया, बृहस्पति का क्या बता दिया, पीला, जुपिटर। आप सोचिए, और आपने कभी हनुमान चालीसा सुनी है, हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है, दूरी बता रखी है अर्थ और सन की, सन से डिस्टेंस कितना है, 100 कोस जोजन पे भानु लिल्यो ताही मधुर फल जान, तो देख लीजिए कैलकुलेशन करी उतनी निकली, आज जो नासा ने अब जाके करी है वो हजारों करोड़ साल पहले बता दी गई थी। अब ओम का भी तो बता था, ब्लैक होल वाला जी। अब देखिए आप कितनी विडंबना है, सही बात है, कितनी विडंबना है, हमारे तो सनातन धर्म को मतलब बिल्कुल खंडित कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया गया सालों में। हमारे पूर्वज जो थे वो ध्यान लगाते थे, क्या पावर थी उनमें, वो ध्यान लगाते थे, ध्यान लगा के वो अब किसी भी प्लैनेट पे चले जाते थे, वो हमारी आकाश गंगा क्रॉस कर जाते थे। आकाश गंगा जब उन्होंने क्रॉस करी, हमारा मिल्की वे कहते हैं हमारी गैलेक्सी को, हमारी गैलेक्सी में ही अरबों खरबों तारे हैं, मतलब सूर्य हैं, और इतने ही प्लैनेट्स हैं, हम तो कभी पूरी जिंदगी मतलब ही नहीं बनता हम पता लगा पाए, क्योंकि हम अभी तक अपने ही प्लैनेट पे नहीं जा पाए हैं, चंद्रमा तक पहुंच के हम बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे तो पूर्वज ध्यान लगा के कहां तक पहुंच गए, बृहस्पति तक, सही बात है ना, ये तो ज्ञान बच गया हमारा कि सबको पता चल गया कहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सी में ही ब्लैक होल भी है, ब्लैक होल जो होता है अंत है, अनंत है, अंत है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है और वो गोल है, हमने क्या बताया, जीरो का ज्ञान, शून्य का ज्ञान दिया हमने, उसके बाद ही सब कुछ ये साइंस, ये कैलकुलेशंस, ये मैथमेटिक्स चला है। अब देखिए वो शून्य कहां से आया, शून्य आया ब्लैक होल से, और आप ब्लैक होल जो अंत है उसके ना आगे कुछ ना पीछे, पीछे तो पता ही नहीं है, ऐसे ही मृत्यु के बाद आपको पता है क्या है, किसी को आज तक नहीं पता, सब बातें करते बातें, पता ही नहीं पीछे आगे क्या है, बस मृत्यु से पहले पहले पता है, उसके बाद क्या है, इंसान कहाँ चला जाता है, उसके साथ क्या होता है, किसी ने नहीं देखा, सब कहानियां कर रहे हैं। तो ब्लैक होल क्या है, अंत, उसमें से क्या साउंड निकलता है, ओम। आज नासा ने जाके पता किया है, और कितने पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या साउंड दिया था, ओम। वाइब्रेशन देखिए, आप एक बारी अपने दांत बंद करके ना हल्के से, दांत टाइट मत कीजिए, आप मुंह में बोल के देखिए, दांतों को टच होने दीजिएगा, कीजिए एक बारी आप करके देखिए, ऐसी वाइब्रेशन आएगी आप हिल जाएंगे थोड़ी देर में, ये वाइब्रेशन से ही वो वहां तक पहुंचते थे, ब्लैक होल तक पहुंच जाते थे वो, आप सोचिए जो हम दूसरी दुनिया के आयाम कहते हैं, और हमने अंत किसको कहा है, शिव जी, शिव जी,
उसके आगे भोले बाबा, महाकाल, महामृत्यु के देवता, उसके आगे कुछ नहीं है, अनंत है, अंत है। तो ये है हमारी साइंस। वो मंत्र भी है ना, महामृत्युंजय मंत्र, जिसे महामृत्यु डाल दिया जाता है। और आपको पता है, आप चीन में चले जाइए, वहां पे महामृत्युंजय मंत्र छपवाया जाता है शरीर पर। अच्छा, ये तो मुझे नहीं था। हाँ जी। और फायदा हुआ डॉन टॉक्स आने का। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि महामृत्युंजय मंत्र जो है ना, सब क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि किसी को पता नहीं है महामृत्युंजय जो ये मंत्र है वो पूरा क्या है, एंड नहीं है, किसी के पास है ही नहीं। ओ, मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ज्ञान को, हमारी साइंस को नेस्त नबूद कर दिया गया है। मेरी बात सुनिए, प्लेन पहले नहीं थे, उन्होंने खटोले हमारे साइंस में लिखे नहीं कि हजारों लाखों सालों पहले लिख दिया, रावण के पास प्लेन था, पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान। तो हमारी साइंस को खत्म किया गया है, खराब किया गया है। अग्निबाण, वर्षामान, ये क्या थी, मिसाइल थी सारी, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है ना। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत पुराना है। अब देखने वाली बात है इसमें कौन कितना एक्सपर्ट। आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा है कितना एक्साइटेड कि क्या क्या पता लग रहा है, ऑडियंस का भी यही रिएक्शन होने वाला है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। ओके, सो जैसे कि अब सवाल आता है कि एस्ट्रोलॉजी भी इतनी पुरानी है और समय के साथ चलती आ रही है। सो इसमें भी जैसे हमेशा देखा जाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी ज्ञान हो, हमेशा अपडेट होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी अपडेट आते हैं जी, ये सारे अपडेट्स तो हैं। जैसे कि आप पहले एस्ट्रोलॉजी, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते थे, जैसे कि एपी कृष्णमूर्ति है और जैमिनी पद्धति है, साथ में लाल किताब आई। फिर उसके बाद लाल किताब में भी पहले बड़े बड़े उपाय, 43-47 दिन के उपाय हम करते थे, तो लोग परेशान हो जाते थे। ओके। अब उसमें भी आप छोटे छोटे उपायों से भी आप उसमें जल्दी से रिजल्ट ला सकते हैं। फिर उसके बाद वास्तु, पहले ट्रेडिशनल वास्तु होता था, अब जो है मॉडर्न वास्तु हो गया है ना। पहले आपको क्या करते थे कि अगर आपका बाथरूम अगर किसी गलत दिशा में बना हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको तोड़ने का ही आपका सोल्यूशन है। अब बिना तोड़ फोड़ के वास्तु स्टार्ट हो गया है। अब आप अपने मोबाइल से भी आप अपनी प्रॉब्लम को जो है जान सकते हैं कि आपके पास में क्या क्या प्रॉब्लम जैसे आ रही है, बहुत सारी। हाँ, मोबाइल से भी जान सकते हैं। मोबाइल से कैसे? जैसे क्या कहते हैं कि अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है और किसी को जो है जैसे हेल्थ रिलेटेड इशू रहते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन होता है, और जिनकी टांगों में खासकर प्रॉब्लम होती है, तो वो हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में तो शनि से रिलेटेड है। अब अगर किसी के मोबाइल में 72 या 27 का कॉम्बिनेशन होगा मोबाइल के अंदर, मोबाइल नंबर के अंदर, जैसे हम मोबाइल में 10 नंबर्स 10 नंबर्स होते हैं, उसके अंदर अगर आपका 72 या 27 होगा तो आपको टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको यूटीआई इन्फेक्शन, आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे। ये आपके मैसेजेस में लोग बताएंगे, ये लोग आपको मैसेजेस में बताएंगे कि आ रहे हैं सही कह रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पास इतने सारे, जैसे हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था तो उसमें मेरे पास जो मैंने उनको बताया था कि कहते हैं कि 1 8 और 8 1 का क्या कॉम्बिनेशन है, 1 6 और 6 1 का क्या कॉम्बिनेशन है, तो लोगों ने, वो लोग देख देख के हमारे पास आए, लोगों ने कहा कि हमारे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और हमारे पास क्या है कि इतने सालों से हम लोग 20 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, तो क्या है कि हर चीज का हमारे पास क्या है कि एक लोगों का फीडबैक है। तो फीडबैक से क्या होता है कि लोग बताते हैं, हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे क्या होता है कि एक आपके पास एक जेन्युइनली फीडबैक्स आते हैं कि हाँ भाई ये इस प्रॉब्लम का ये सलूशन है। तो लोग, हाँ, और जो साक्षी जी हैं, मैं इन्हें मेगा मार्ट बोलता हूँ। हाँ, देखिए अब मेगा मार्ट में जैसे आजकल मॉल जो है मेगा मार्ट बन गए हैं, वहां पे आप घुसते हैं, आप सब कुछ मिल जाता है, कुछ मिल रहा है 360। अब आप साक्षी जी के पास आ रहे हैं, आप जन्म पत्री दिखाने के लिए आए, आपने जन्म पत्री दिखाई, आप बैठ गए, आपने कुछ बताया नहीं, आपको यही बताएंगे सब कुछ, या मैं, हम दोनों साथ ही बैठते हैं हस्बैंड भाई, तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कुछ। हमें तो कॉल करते हैं लोग और कहते हैं हाँ जी। अगर बाई चांस हमें कोई बताने भी लगता है ना, गुरु जी मैं, एक मिनट, आप नहीं, हम बताएंगे आपको। फिर गुरु कहेगा, जब आप ही बता दोगे तो गुरु कहेगा। सही बात है। तो उनको एस्ट्रोलॉजिकली भी हेल्प मिल जाती है, फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी से भी
साक्षी जी पूरा बता देती हैं, हम बता देते हैं। सबसे एक्यूरेट कौन सा रहता है? देखिए सबसे पहले तो जन्म पत्री। ओके, सबसे पहले जो होता है जन्म पत्री अगर हो, वो तो जैसे आमिर खान ने कहा था ना, भगवान ने स्टैंप लगा के कहाँ भेजी है, मेरे पास आए मैं बताऊंगा कहाँ स्टैंप लगा के भेजी है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वो है स्टैंप। तो मेन अगर किसी को जन्म पत्री चाहिए तो उनके पास एक्यूरेट डेट और एक्यूरेट टाइम हो, होना चाहिए। अब किसी के पास जो है डेट ऑफ बर्थ ना हो, जैसे हाँ जैसे कि साक्षी जी डेट ऑफ बर्थ है उनके पास लेकिन टाइम दो तीन घंटे आगे पीछे है। ओके, तो उससे क्या होता है दो तीन लगन बनते हैं, उसमें हमें डेढ़ दो घंटे लगते हैं लेकिन हम उसकी जिंदगी के बारे में एक एक चीज बता देते हैं। तो वो कहता है ये है मेरी जन्म पत्री, मतलब जैसे किसी ने कहा मेरा सुबह 9 बजे से लेके सर 2-3 बजे तक मुझे पता नहीं है, तो उसमें 2-3 पत्रियां बनती है, हम कंफर्म कर देते हैं ये है ये है। अगर उसके पास बिल्कुल ही डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ना हो, डेट ऑफ बर्थ है तो फिर हम उसका न्यूमरोलॉजी से बताते हैं बस, और न्यूमरोलॉजी से न्यूमरोलॉजी चार्ट बनता है, उसमें लोशो ग्रिड बनते हैं और उसमें उसके फिर हम उसके मोबाइल नंबर भी लेते हैं, फिर उससे फिर हम उसका क्या करते हैं कि फिर उसका अगर नेम से भी उसका कनेक्शन अगर उसको पूरा चेक करके उसको नेम भी चेंज कर देते हैं और साथ में उसका मोबाइल नंबर, वो जो चाहता है साक्षी जी उस हिसाब से उस नाम को सेट कर देते हैं। अब आपको चाहिए विस्तार, बिजनेस में बढ़ना है, धन धान्य आपको चाहिए, आपको विस्तार चाहिए, तो साक्षी जी 3 नंबर पे ले आएंगी बृहस्पति के नंबर पे। मतलब ये एक टेक्निक है। तो जैसे जो आपकी समस्या है, आप बीमार हैं तो उस हिसाब से आपके नेम को सेट करके आपको ये चीज। लेकिन संजीव जी मैंने यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को देखा कि जैसे कि कहते हैं कि आपका वो लोग क्या करते हैं कि आपने बोला कि मुझे जैसे कई हमारे पास भी आते हैं कि मॉडलिंग कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है और नेम फेम चाहते, तो हर किसी के नंबर को वो 6 पे ले आते हैं। जी जी ठीक है। और 6 अगर आपका एंटी नंबर है, अगर आपका जो जो आपका हाँ, ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, वो अगर एंटी है, तो आप जितने मर्जी वहां पर जाकर, बॉम्बे जाकर, कुछ भी कर कहीं पर जाकर भी आप जो है अपना मेहनत कर लीजिए, आपको कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपके पास, हमने न्यूमरोलॉजी से निकाला, उसमें आपका 6 नंबर एंटी है, मतलब आपका अच्छा नहीं है, डिजास्टर है वो। अब अगर नेम को उन्होंने ठीक किया, उसे 6 नंबर पे ले आए, तो आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। कहीं बोलते हैं ना नेम चेंज करवा लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ और परेशान हो गए। तो ये हम क्या करते हैं, पहले जन्म पत्री सबका कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सबके पास होती है, पहले जन्म पत्री में देखते हैं कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, फिर साक्षी जी न्यूमरोलॉजी से देखती है कौन कौन से उनके नंबर मिसिंग है, वो लोशो ग्रिड में साक्षी जी लोशो ग्रिड में भी देखती है कौन कौन से नंबर मिसिंग है। तो ये पूरी टेक्निक होती है, ये पूरा हमारे पास पूरा पैटर्न है। फिर नेम भी हम जब चेंज करते हैं तो नेम में भी हम देखते हैं कि कहीं ये नंबर जैसे 6 पे 7 पे 8 पे 1 पे 2 पे 3 पे जिस नंबर पे भी उस नेम को लेके आना है, कहीं वो इसका एंटी तो नहीं है। एंटी हुआ अब लोग नेम ठीक करने के लिए 21-21 हजार रुपए 50-50 हजार रुपए फीस है एक नेम ठीक करने की, आप देखो। अच्छा हाँ जी ले रहे हैं लोग। आपके पास आते हैं तो कितना चार्जेस वगैरह? देखिए हमारे पैकेजेस हैं, हमारे पैकेजेस हैं। अगर आपने पत्रिका दिखानी है उसके चार्जेस अलग है, अगर आपने पूरा पैकेज लेना है आपके न्यूमरोलॉजी फोन और आपका नेम भी ठीक करें, आपका सब कुछ मतलब ये पूरा पैकेज है, तो उसके चार्जेस वो आपकी वेबसाइट या अवेलेबल। परफेक्ट। मेरे को एक ये सवाल आ रहा है, सपोज जैसे कि आप आपको जैसे सारा ही संपूर्ण ज्ञान है कह सकते हैं, अगर हम जैसे कि मैं सिर्फ एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ या मैं सिर्फ एक वास्तुशास्त्री के पास जाता हूँ, तो अगर मैं जाके उनके पास सपोज मैं अपना नाम चेंज करा देता हूँ उनको से उसी के, या वो मेरा चार्ट ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और मैंने उन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज़ें करी, तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकली वो क्लैश कर जाए? होता है। तो इसलिए जो है ना हर चीज़ को पूरा बैलेंस करना चाहिए। और अब कई बार जो एस्ट्रोलॉजिकली लोग कहते हैं कि मेरे तो कुंडली में मेरे को पंडित जी ने बताया था कि मेरा तो राजयोग है, राजयोग फलित ही नहीं हुआ। अब आपकी कुंडली हमने देखी, ठीक है, आपकी कुंडली जो है वो एक नॉर्मल कुंडली है, ठीक है, नॉर्मल बैकग्राउंड और नॉर्मल कुंडली। लेकिन जो आपको पता है कि जो आपको अब जो महादशा लग गया है, साक्षी जी वो ऐसी जैकपॉट लग गया है ना कि आपको नवम भाव होता है हमारा भाग्य का किस्मत, और भाग्य में बैठा हुआ बृहस्पति और वो भी स्वराशि का,
समझ लीजिए कर्क लगन की आपकी कुंडली है, कर्क लगन में भाग्य में बैठा हुआ बृहस्पति, अभी तो 2 मिनट आपकी कुंडली देखी थी, तो वो भाग्य में बैठा हुआ बृहस्पति और उसकी ही सरकार आपको लग जाए तो वो वहां पर स्टार्ट होता है राजयोग। ये जस्ट अभी आपको 2 साल से लगी है और आपने 2 साल से तरक्की करनी शुरू की होगी, 2 साल से मतलब लाइन, और कुछ 2-3 सालों बाद आपसे टाइम लेने के लिए लोग तड़पेंगे। हाँ, ये मैं आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। तो ये जो है ना राजयोग कब फलित होगा, लोग पूछते हैं ये राजयोग कब फलित होगा, तो वो राजयोग के भी पैरामीटर्स होते हैं। अब आपने बोला कि मेरी कुंडली में गजकेसरी हो गया, मेरी कुंडली में शशि हो गया, मेरी कुंडली में भद्री हो गया, मेरी कुंडली में मल्लवी हो गया, मेरी कुंडली में ये सारे योग होते हैं। शशि हो गया, शशि योग में शनि का योग होता है, शनि से होता है शशि योग। अब भद्र योग जो है वो बुध से होता है और मल्लवी योग जो है वो शुक्र से होता है। अब लोग कहते हैं मल्लवी योग है, शुक्र हमारा उचका बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो मल्लवी योग बन गया। तो वो कहते हैं कि जो है ना ये हमारे मल्लवी योग का हमें फल नहीं मिल रहा, तो वो फल आपको कैसे दिलाना है, कैसे आपको उसका फल मिले। आपने तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है लोगों की। वो कहते हैं हमारा तो पंडित जी जो देखता था हमारे बच्चों को कहता था ये तो भैया बड़ा मजे करेगा, बड़े मजे करेगा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये सारे योगों को खोलना है, कौन से आपके हाउसेस खोलने हैं। अब जैसे 11th हाउस आपका इनकम का हाउस है, तो वो इनकम के हाउस को कैसे जनरेट करना है, वो वास्तु से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, एस्ट्रो वास्तु से भी, सभी तरीके से वो आपका हम खोलते हैं। अब आपका नवम भाव जो है एक्टिवेट हो रखा है इस वक्त, अब नवम भाव आपका एक्टिवेट हो रखा है, अब आपका छठा भाव भी एक्टिवेट हो गया है उसके साथ साथ ही। तो छठा भाव होता है हमारा कॉम्पिटिशन का, तो आपका कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। लेकिन वो कॉम्पिटिशन में आप कॉम्पिटिटरों से भी फायदा उठा के जाओगे, ये आपका प्रिडिक्शन कहती है। और भाग्य आपका पूरा साथ देगा, ठीक है, लेकिन उसमें भाग्य के साथ में क्या है, एक बस उसमें ग्रहण के लग गया कि साथ में शुक्र भी बैठ गया, तो शुक्र और गुरु जब दोनों बैठ जाते हैं चंडाल तो, योग तो वो चंडाल योग नहीं कह सकते उसको, गुरु घंटाल योग भी कहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता है। अब आप देखो मीडिया से भी रिलेटेड काम कर रहे हो और ज्ञान का भी काम कर रहे हो, तो वो आपको भगवान ने उस पाथ पे डाल दिया आपको, ठीक है, जिसमें मीडिया भी आ रही है, मीडिया यानी सोशल मीडिया आ गई, वो आपको शुक्र करवा रहा है। और बृहस्पति यानी पॉडकास्ट आप एस्ट्रोलॉजी की क्यों कर रहे हो, मैं भी आप कोई आप कोई वो और लोगों के साथ में क्यों नहीं कर रहे, जैसे मस्करे टाइप, जैसे आजकल मजाक वगैरह, उसमें मजाक वाले क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि आपका बुध एक्टिवेट नहीं है, आपका बृहस्पति एक्टिवेट है। आप देखिए जब से आपकी मां दशा लगी होगी आपका रंग भी साफ होगा, आपका आपके चेहरे पे एक पीलापन और धैर्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति पीला एक्टिवेट हो गया है, धैर्य भी आएगा, और फिर वो आपका आपका शरीर भी बनाएगा बृहस्पति। अब आप एक्सरसाइज करोगे, आप डाइट पे ध्यान दोगे, क्योंकि उसने आपका शरीर ठीक करना है। अब आप शादियों का भी देखो, लोग कहते हैं कि शादी एक ऐसा जुआ है, कि आपकी शादी कैसे जुआ है, अगर आपकी शादी सही हो गई तो जिंदगी बदल जाएगी, और शादी सही नहीं हुई तो आप सारी जिंदगी जो है पछताते रहोगे। कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं कि जो जैसे किस्मत को बांध भी दें, जैसे खोल रहे हैं वो तो हमें पता लग गया, कोई ऐसे नेगेटिविटी वाले आपकी किस्मत। अब जब आपके नेगेटिव प्लैनेट्स की दशा महादशा आएगी या नेगेटिव प्लैनेट्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, तभी आपके ऊपर तंत्र मंत्र होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आपके अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ग्रह भी बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहे हैं, फिर किस बात का तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र वाले तो बेचारे वो रोएंगे ना जिनकी दशाएं भी खराब चल रही है, जिनके ग्रह भी प्लैनेट भी वीक है, उसके बाद उनके जो है उनके जो गोचर में भी प्लैनेट्स खराब आ गए हैं, और कुछ हमारे कर्म भी होते हैं। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो आपकी चीजें जो है ना, जो बड़ा बड़ा आपके ऊपर पत्थर आके गिरना है, पहाड़ जो आप देखते ना पहाड़ पे गए थे लैंडस्लाइड हो गया, तो उसके नीचे आपने दबना है ना, तो एक छोटे से पत्थर आपके पैर के आगे आ जाएगा, इतना फर्क पड़ता है। अब देखिए, अब कई लोग, आप ध्यान से सुनिएगा, कई लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, वो कहते हैं मेहनत करो सब मिलता है। मैं भी उनमें से एक था वैसे, बता दो। मैं एग्री करता हूँ, उनका वक्त अच्छा है भाई। कई लोग होते हैं कहते हैं हाँ एस्ट्रोलॉजी होती है, ग्रह होते हैं, अरे ये तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, बेवकूफ वाली बात है। लेकिन वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिसके साथ बीत रही है ना उसे पता है। अब आपको डिप्रेशन नहीं होगा कभी भी, आपकी जो मादशा लग गई है बृहस्पति, जिसको डिप्रेशन होगा आप कहोगे क्या होता है डिप्रेशन, बेवकूफ बना रहे हैं। अब बात को समझिए, जिस पे बीतती है उसी को पता है, जिसके ग्रह अच्छे चल रहे हैं उसके लिए सब बढ़िया है, और जिसके ग्रह खराब है उस पे वास्तु भी असर करती है। आपको पता है जैसे आपकी पत्रिका है, आप घर भी वैसा ही लोगे।
आप ऐसे घर में रह रहे होगे और आपने घर की बनावट भी वैसी बना ली होगी धीरे 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 करके। ओके बिल्कुल 101%। हम एक पुराने घर में रहते थे, ध्यान से सुनिएगा, साक्षी जी और मेरा मंगलवत है। ओके साउथ साइड हम रहते थे, मंगलवत में साउथ साइड नहीं रहना होता। साउथ साइड में बाहर घर के बाहर खट्टे पेड़ नहीं होने चाहिए फ्रूट के, हमारे घर के बाहर संतरे का पेड़ लगा हुआ था। और मंगलवत में आपके बाहर की रोड उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, घर के बाहर ही, हमारी थोड़ी सी हो गई थी वहां गटर था तो अपने आप ही हो गई, वो गटर ऊपर हो गया, गटर ऊपर हो गया, रोड नीचे रह गई। एक एग्जांपल दे रहा हूं। साउथ डायरेक्शन में अब क्या हुआ, साउथ डायरेक्शन एक तो ऊपर से हमारा जो टॉयलेट था वो वास्तु पुरुष के मुंह पे था, बताइए साथ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में था जिसकी कोई रेमेडी नहीं। अच्छा हमने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, आई हैव नो वर्ड्स। हमने जिंदगी में राजा की जिंदगी देखी, फिर उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट था, फ्रेंच की टीचर थी, आपने आते ही वो क्या कहता, बॉन्जू, फिर इन्होंने करेक्शन करी थी, फिर एक और वर्ड बोला था, फिर आपको लगा हाँ मेरे से ज्यादा आती है, फिर आप चुप हो गए। मैं इंग्लिश का टीचर था, तो उसके बाद हमारी जिंदगी, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, हम दोनों की ही पत्रिका में इनके में राहु में शुक्र और मेरे में शुक्र में राहु आ गया, सेम। हमारी जिंदगी में तो ताबूत, और मैं क्या बताऊं आपको, मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, 500-600 बच्चा, बहुत बड़ी बात होती है एक टाइम में, और 20-25 कमरे उसमें, मतलब हम ढह गए, खत्म हो गए, जीरो पे आ गए, पैसे पैसे के लिए, मतलब आप ये कह सकते हैं हमें सोचना पड़ने लगा। हाय, मैं उन सब लोगों को बता दूं जो मेरे को गाली दे रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं कि वरुण भाई प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि सब्सक्राइब कर लो, तो जितना हमने बोला है, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं, पर एनालिटिक्स देखने के बाद ये पता लगा है कि जितने एपिसोड में हमने बोला है कि सर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैम प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप देख देख के जा रहे हो, 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो रेशियो अब कम हो गया, 85% रह गया, पर प्लीज 85% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चैनल 100 के जल्दी से अचीव कर लेगा। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आई नो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खो जाते हो, तो मैं जल्दी से बस एक सेकंड का समय और लूंगा और बोलूंगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दिस इज योर चैनल, दिस इज योर डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाय। फिर हम इस फील्ड में आए, हमारी उम्र छोटी नहीं है, लगती है थोड़ी, मेरी उम्र 50 है, इनकी 25 है, मेरी 50 है, ये खुंदक खाते हैं लेडीज प्रॉब्लम, तो 50 ये संजीव जी तो गलत बता रहे, मेरी जो है 49 रनिंग है, 49 रनिंग है। तो फिर हम इस फील्ड में आए, फिर हमने कई ज्ञानियों के पास गए, लूटे पुट, पहले तो आप लूटते हो बुरे वक्त, वो तो है, ये तो जब आपका वक्त बुरा होता है ना तो आपको जो है ना ऊंट पर बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है। अच्छा ये बड़ी विडंबना है भैया, है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, जब बुरा वक्त आता है ना, कमबख्त मारा इंसान बुरे एस्ट्रोलॉजर, बुरे पंडित के पास ही जाता है जो आपको लूट लेता है, और अच्छे वक्त में इंसान अच्छी जगह पे पहुंच जाता है। ये बड़ी विडंबना मुझे जीवन में लगी, फिर जी लगे धक्के जिंदगी के शुरू, बड़ी बुरी बुरी जगह गए, हर जगह गए, सबने लूटा खसूटा, बेवकूफ बनाया। फिर उसके बाद हमने कहा भाई ये क्या चीज है, हम घुस गए। फिर हमने कई गुरुओं से ज्ञान लिया, और साक्षी जी ने भैरव जी की बिल्कुल आराधना करी, मैंने भी करी, माँ काली की आराधना करी हम लोगों ने। आपको मैं बताऊं, एक समय ऐसा आया कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं बहुत दूर चले गए थे, राजस्थान की तरफ, पाली, पाली से भी अंदर जाके 50-60 किलोमीटर रेगिस्तान में, वहां पे मैंने शमशान में भी बैठ के साधना की शक्तियों की, तो कहीं उसके बारे में थोड़ा सा, बिल्कुल 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 बताएंगे आप। तो हमारे गुरुजी थे, तो क्या कहते हैं, अभी भी वो हैं, अभी भी हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है। तो उनके साथ हमने साधनाएं की, तो जो ये जो
भोले बाबा की अघोरी साधना होती है महाकाल की, इसमें लेडीज नहीं होती। तो हम गुरु जी के साथ और छह शिष्य, जिन जिन में हिम्मत थी, वो जैसे चिताएं जल रही होती हैं, वहाँ पे 108 शमशानों की राख और बड़ी ही सुगंधित करके उसको भभूत जिसे कहते हैं महाकाल की, वो लगा के साधनाएं करनी होती हैं। वो डिपेंड करता है हर इंसान में आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है, आप कितनी उन शक्तियों को पकड़ सकते हो, बांध सकते हो, बांध तो कोई भी नहीं सकता, लेकिन कंट्रोल कर सकते हो अपनी बॉडी में। और आपको फील होता है, जैसे गुरुजी जो थे वो उन्होंने जब हमें बताया तो हमने सर्कल बनाया, वहाँ सर्कल बनाते थे और कहते थे इसके बाहर नहीं जाना किसी को। अच्छा, क्योंकि उनमें ही शक्ति थी, तो वो क्योंकि अगर कोई बाहर जाएगा तो हो सकता है, मैंने देखा है कई लोगों को मेंटली डिस्टर्ब होते हुए इन चीज़ों में, तो होता है ये क्योंकि एनर्जी, आप मंदिर में जाते हैं आपको कैसी एनर्जी फील होती है, आप शांत हो जाते हैं, आप फील करते हैं आह हा भगवान प्रभु प्रभु मेरी इच्छाएं पूरी करते। अब आप शमशान में हैं, शमशान में एक फूल खिला हुआ है, क्या आप उसकी सुंदरता देख के मुस्कुराएंगे, बताइए? नहीं मुस्कुराएंगे, आपका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी सुंदर फूल हो, कितना भी बड़ा फूल हो, कितना भी रंग बिरंगा फूल हो, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? वहां पे एनर्जीज अलग है, है ना? तो ऐसे ही एनर्जीज के खेल हैं ये, आप एनर्जीज को कितना पकड़ते हो, संजोते हो, कंट्रोल करते हो। जब हम वहां पे बैठते थे राख लगा के, बिल्कुल न्यूड होके बैठना होता था, एहसास होता था यूं करके रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोए 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 खड़े हो जाते थे ऐसे टंग, और यूं हाथ लगाते थे बाल खड़े होते थे यूं करके प्रॉपर, एक एक बाल सीधा कांटे की तरह, और ऐसा लगता था आपके अंदर से कुछ जा रहा है और निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है। फिर वो सिद्धियां धीरे 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 कंट्रोल करने में आई, फिर उनसे कनेक्शन होने लगा, फिर उनसे काम भी करवाया जाता है, ये सच्चाई है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी काम हो। आप इंसान की टांग तोड़वा सकते हो, आप इंसान का एक्सीडेंट करवा सकते हो, आप इंसान के कुत्ते से कटवा सकते हो, वशीकरण और ये सब जो बोला जाते है एक्चुअल होता है। लेकिन आजकल लोगों में ताकत नहीं है उतनी, अब क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में आ गए तो हमने थोड़ा सा इस चीज से पीछे किया इन चीजों को। आजकल आडंबर ज्यादा है, नकली ज्यादा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज 99.9% नकली है। आज मैंने क्या बोला आपको, 0.1 पूरा, मैंने 1% भी नहीं बोला, 0.1% जो सुनने के बराबर ही होता है। जो असली होगा वो आपको ऐसे स्टूडियो में बैठा हो नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, मैं हम छोड़ चुके हैं, हम गृहस्थ जीवन में आ गए, मैं वापस आ गया, साक्षी जी भी वापस आ गई, हम अब सात्विक ध्यान करते हैं, ये माँ काली मैं राहु देव का, लेकिन सात्विक तरीके से। जो भी इस ज्ञान में ज्यादा गया है वो वापस नहीं आया, वो आपको ऐसे ब्रॉडकास्ट में बैठा हुआ नहीं मिलेगा, या किसी एक गद्दी में बैठा हुआ नहीं दिखेगा। एक चमत्कार की बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आज, और बाकी लोग भी सुन ले, वो आपको शमशान में पागलों की तरह दिखेगा, जो सालों से नहाया भी नहीं होगा, और उसे लोग कहेंगे है पागल है, मुंह भी नहीं लगाएंगे, आप उसके पास भी नहीं जाएंगे, बाबा मेरी पत्रिका देख लो, ये सच्चाई है। डर भी और ढोंगी होंगे ना, ये वो एक्टिंग पूरी मालाएं और ये वो फलान ढिमकान, नॉर्मल लोग उनसे बात भी नहीं कर पाते, कनेक्ट ही नहीं हो पाता ना, आप कनेक्ट ही नहीं, वो उनकी उनकी जबान ही गंदी होगी, आप कुछ और बोलेंगे वो आपको 5-6 गालियां इतनी बड़ी बड़ी दे देंगे, आप तो मानने को भागोगे। बट ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब भी कोई माना जाता है भगवान, आउट ऑफ माइंड, माइंड आउट हो गया ना, माइंड आउट हो गया, मतलब उनके बड़ी सारी प्रक्रियाएं होती, करण पिशाचनी होती है, जिसमें करण पिशाचनी में क्या होता है कि जैसे अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हो तो वो आपके कान में आके बता देती है कि ये प्रॉब्लम लेके कौन सी प्रॉब्लम लेके आया, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप सुन लोगे आप बेहोश हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ सुना मैंने, तो बस वही चीजें होती है, बाकी हम सब इन चीजों से मतलब ये लगा लीजिए कि ये सब चीजें तो हमने करण पिशाचनी करा, तो हमने पहले भी ऐसे ड्रिंक करे थे,
बाकी साधना हमने बहुत की, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है और आपके अंदर एनर्जीज आती है, तो पॉजिटिव एनर्जीज भी आती है। तो अब जैसे माँ काली है, अब मेरे से लोग कहते हैं कि माँ काली की सिद्धि करवा दो, तो मैं उनको बोलती हूँ पहले आप ना क्रीम, एक बार ना पहले थोड़ा सा सिद्धि एक्सप्लेन कर दो, बहुत सारे व्यूअर्स को ना सिद्धि का मतलब नहीं पता। जैसे सिद्धि होती है दो तरीके की होती है, एक तो आप जैसे गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं, जैसे आप माँ काली को करेंगे तो आप ध्यान लगाएंगे तो आपका जो है आपका एनर्जीज आपकी बढ़ेंगी, और जैसे कई लोग होते हैं वो एक सिद्धि होती है कि आप भाई तांत्रिक सिद्धि होगी। तो ये सात्विक में आप जैसे क्या करते हैं, क्रीम शब्द का यूज कर सकते हैं। क्रीम जो है इतना पावरफुल हमारा जो है ये बीज मंत्र है माँ काली का, इसको आप बोलेंगे क्रीम 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 ओम एम क्रीम सिर्फ क्रीम सिर्फ क्रीम 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 108 बार बोले तो आप एक इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं कि आप माँ काली की तरफ आप बढ़ने के उसमें आ जाते हैं। बाकी सिद्धियां तो फिर बहुत सारी होती हैं, तो जिसमें आपको फिर इन सब चीजों से कुछ नहीं लेना, जैसे आपको कुछ भी चाहिए, हाँ कुछ भी आपको, लेकिन मैं सबसे यही कहूंगा, हाँ मेरे मालिक आपके थ्रू मैं सबको यही कहूंगा, इन मंत्रों का यूज गलत चीज में मत कीजिए। कई क्या करेंगे, दुश्मनी लेने के लिए करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं उन्हें गलत यूज में लेने लग जाते हैं। मेरे को ये प्यार मिल जाए, जबरदस्ती खींच लेंगे। मैंने जितना देखा है, पढ़ा है और समझा है, वो ये होता है कि हम अगर सपोज मैं किसी को गलत इंटेंशन से इन चीज़ों से बुला भी लूँ या कुछ नेगेटिव चीज़ हासिल भी कर लूँ, तो मेरा परिणाम कुछ अच्छा नहीं जाएगा। तो जो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के साथ में भी होता है, लोग कहते हैं लाल किताब वाले या वैदिक वाले जितने भी लोग हैं ना, आप सोचते हो क्या कहते हैं कि आपके ऊपर जो है आप लोगों के नेगेटिव प्लैनेट्स को अगर आप उनके ठीक कर रहे हो तो वो आपके ऊपर भी छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि उन प्लैनेट्स को अपनी लगा रहे हो, अपनी एनर्जीज लगा रहे हो। आप किसी का ग्रह ठीक कर रहे हो, उसकी आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए उसकी ग्रह से अगर पंगा लेने की, वो ग्रह कहता है कि भाई मैं तो उसको बर्बाद करने के लिए आया हुआ हूँ और तू इसको जो है आबाद कर रहा है, तो वो ग्रह आपको भी तो परेशान करेगा ना। तो उसके अंदर आपके जो अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसे पावरफुल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अब संजीव जी के छठे भाव में राहु बैठा है, ठीक है, राहु कहता है अपने आप में क्या कहते हैं तू किसी से पंगा मत ले, तेरा पंगा मैं लूंगा। बारहवें भाव में केतु बैठा है, केतु मोक्ष का कारक होता है और इनके लगन में गुरु है, गुरु अपने आप में ही राजा की गद्दी में बैठा हुआ है। और साथ में पंचम भाव में बुध जो होता है, पंचम भाव में बुध के लिए कहते हैं फकीर की आवाज, तो ऐसा इंसान किसी को भी ऐसे बोलता नहीं जा तेरा भला होगा, तो वो उसका भला होना शुरू हो जाता है। पंचम भाव में मंगल भी है, सूर्य भी है, तो सूर्य भी अपने आप में बहुत ज्यादा, और सप्तम भाव का चंद्रमा एक इंसान को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है। तो मेरे से बड़े सारे लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की ना क्लासेस करने के लिए और बड़े न्यूमरोलॉजी की और उसकी, तो मैं आपके उससे बताना भी चाहती हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट भी करने वाले हैं ये, क्योंकि जो है अपॉइंटमेंट से ही फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये ज्ञान जाए और अच्छी तरीके से जाए। तो एस्ट्रोलॉजी हम लोग अभी एस्ट्रोलॉजी के बैचेस, न्यूमरोलॉजी के और वैदिक स्विचवर्ड्स और इन सब चीज़ों के बैचेस हम लोग अलग अलग स्टार्ट जो है वो कर रहे हैं, तो उसमें जो है लोग हम जूम पे ही लेंगे क्लासेस, तो लोग जो है आके पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि आप अपने जीवन को कैसे अपग्रेड करना चाहते हैं ना, अपग्रेड करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। अब कोई कहे कि मेरे को अभी एक ही दिन में करोड़पति बना दो, है ना, तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आने के रास्ते आपको मिलते रहे, स्ट्रीम खुल जाती है। अब ऐसे एक स्विचवर्ड होता है कॉन्वालेक्सा। एक बार ना स्विचवर्ड आने से पहले आई वांट कि आप स्विचवर्ड भी एक्सप्लेन कर दो। क्या होता है कि वर्ड्स होते हैं और इनकी एनर्जीज जो हैं, अगर आप किसी को भी एक आप किसी को भी जैसे आप बोलोगे राधा 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 राधा, तो राधा राधा की एनर्जी आपके अंदर आने लग जाएगी। राम 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 राम, हम जो है अगर भगवान के नाम लेते हैं, अब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उसकी एनर्जीज हमारे अंदर आती हैं। ऐसी स्विचवर्ड्स होते हैं जो बड़ी सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स में पड़ी हुई हैं, और आप जो है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यूनिवर्स से आप बोलते हो, तो वो यूनिवर्स आपको वो चीजें देता है। चाहे कुछ भी मांगो, लेकिन वो मांगोगे आप उसको प्रॉपर चैनल के तरीके से ना, आपको स्विचवर्ड को तरीका, उसको बोलने का तरीका, कितनी बार बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारा सिस्टमैटिकली होता है। Correct. तो उसको किस तरह से बोलना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना है कि राइट हैंड पे लिखना है, कलर कौन से लिखना है, ये सारी चीजें हैं कि अगर कोई गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करना है तो इस कलर से लिखना है, और पैसा अट्रैक्ट करना है तो इस कलर से लिखना है, तो ये सारी चीजें होती है। बीमारी के लिए ऐसे लिखना है, बीमारी के लिए है, बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो मदर्स भी लिख सकती हैं कि बच्चे आपके कंट्रोल में आ जाए, मतलब कोई भी पर्सन आप कंट्रोल में ला सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, किसी को कोई बीमारी है ना, कोई बीमारी है, तो बीमारी के लिए आप उसकी बीमारी को दवाई भी खा रहा है,
तो बीमारी भी उसकी दूर नहीं हो रही, तो उसको हर तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब अगर बहुत सारी बीमारी, अपन लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक बीमारी से उठता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, अपने अपने घर का जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन होती है और एक नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होती है जो कि हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। अगर आप वहां पर अपनी जितने भी लोग हैं उनकी सारी दवाइयां घर में वहां पर उस वहां पर स्टोर कर दें, वहां पर रख दें और किसी व्हाइट कलर के बॉक्स में रख दें, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बीमारी घर से जानी शुरू जाती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दवाई, वहां पर दवाई, वहां पर दवाई, वहां पर दवाई, वहां पर दवाई, आपके घर से कभी बीमारी नहीं जाएगी। आप उसको एक एक प्रॉपर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच डायरेक्शन है, अगर आपको ये 22.5 डिग्री पे होती है वो, तो वो उस डायरेक्शन पे अगर आप अपनी दवाई रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और उसके साथ में आप क्या करेंगे, अगद इति सर्व रोग पश्मनाय, अगद इति सर्व रोग पश्मनाय, इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आप इसे 108 बार बोले, अगद इति सर्व रोग पश्मनाय, अगद इति सर्व रोग पश्मनाय, आप देखेंगे आपकी 4 दिन में बीमारी आपकी, आपको सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए साक्षी जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि, और साक्षी जी वो भी बताइए, हमने जब से डायरेक्शन चेंज करी सोने की, आज दर्शक सुन के देखिए, वास्तु से भी, सुचवर्ड से भी, मंत्र जाप से भी, आपको देखिए मजा आएगा, ये कॉम्बिनेशन जा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि आपको ना, आपको क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं कि ना, आपको साउथ की तरफ सोना चाहिए, ठीक है, साउथ की तरफ आपको सोना है, साउथ की तरफ करके, साउथ की क्या एनर्जीज होती है कि नॉर्थ में आप सोएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करें, साउथ में भी आप साउथ के कमरे में सो रहे हैं और आपके मंगल बड़ा डिस्टर्ब है आपकी कुंडली में, तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। आप देखिए पत्रिका में मंगल खराब, आपकी रोज लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, आपको बोल देंगे साउथ की तरफ सोइए, आप साउथ इज नॉट अ बैड डायरेक्शन टू स्लीप, तो आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी, मंगल की लड़ाई झगड़े परेशानियां, खुशियों में विघ्न आ जाना। अब देखिए, अब मेरी बात को सुनिए, साक्षी जी ने कहां से कहां मिला दिया ना सब कुछ, ये होती है नॉलेज। अब इन्होंने क्या कहा, अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल खराब है और अगर आप मंगल की डायरेक्शन में सो रहे हैं, साउथ साइड मंगल की वास्तु भी आ गया, वास्तु भी आ गया, अगर आप सोएंगे तो आप क्या होगा, मंगल खुशियों का कारक है, मंगल दुनियावी फायदे का कारक है, मंगल हमारा खून है, ठीक है, मंगल हमारा जोश है। अगर ये सारी चीजें खराब हो गई, मंगल हमारी दोस्ती आ रही है, मंगल हमारे खून का रिश्ता है, अगर आप नेगेटिव जगह पे सोएंगे ये सारी चीजें बम बम। अब वास्तु वाला तो आपको बता गया इस ड्रग्स में, छोड़ो भाई बढ़िया जगह है, नेम फेम है, वो कह रहे नेम फेम, भाई साहब मेरे भाई मेरी छुरी मार दी मेरी पीठ पे, भाई ने इसी से नेम, मेरे दोस्त ने छुरी मार दी मेरी पीठ पे, मुझे खराब कर दिया, मैं नेम फेम का क्या करूं, मेरा परिवार टूट गया पूरा। तो साक्षी जी की आप बात समझे, अब देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा अच्छी तरह से कर लेता हूँ, थोड़ा सा साक्षी जी भरपूर नॉलेज से भरी हुई है, वो फैक्ट्स हैं, वो साक्षी जी बताइए, हम भी साउथ साइड सोते थे, फिर हमने जो है ना, मैं उठता था क्योंकि मंगल बद, हमने कहा भाई वास्तु, ये भी आपने कहा ना, ये साइंस भी क्या तरक्की कर रही है, कर रही है भाई। अगर आपको डीटा बीटा ईटा ईटा का नॉलेज है सारी चीजों का, और आप मिक्स करके उसको एक नई इक्वेशन बना सकते हैं, तो आपसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं। अब क्या है, अब जन्मपत्री, फिर हमने कहा यार हम तो सही डायरेक्शन में सो रहे हैं, साउथ साइड तो इस जोश में आ, मंगल पावर नहीं, आप बताइए मंगल क्या है, हनुमान जी ताकत, अरे भैया हमारा तो मंगल बद्ध है, हमें पारिवारिक परेशानी, हाँ फेमस हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, निकल भी रहा साथ, घर वाले दुश्मन, दोस्ती यारी दुश्मन, दुनियावी फायदा नहीं, शरीर में खून में इनको शुगर हो गई, मतलब जैसे कुछ फैमिलीज मैंने देखे जो पैसा तो कमा रही है बट हेल्थ है, घर में लड़ाइयां चल रही हैं, हाँ, फिर हम कहाँ सोए साक्षी जी बताइए, अब देखिए कनेक्शन कहाँ से, हम जो है ना फन एंड एंजॉयमेंट में सोए हुए, अब हम लोग फन एंड एंजॉयमेंट में सोते हैं जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे इम्यूनिटी के लिए भी होता है, वहां पे फेम के लिए भी होता है,
वहां पे दवाइयां, जैसे साक्षी जी ने क्या बोला, दवाइयां रखिए। अब हम दवाइयां भी वहां रखते हैं, सोते भी वहां, हमारे शरीर ठीक, इनकी शुगर ठीक, चमत्कार को नमस्कार, कर लो क्या करोगे। मैं जो ना, जब मुझे लगा कि ये तो बॉर्डर लाइन पे चली गई शुगर, फिर मैंने देखा क्या कहते हैं कि मैं तो गलत जगह पे सो रही हूँ, तो फिर मैंने फिर ध्यान दिया इस टाइम उस पीरियड पे। एक्चुअली क्या होता है कि आप लोगों की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं ना, अपने आप को डॉक्टर अपना ही तो इलाज नहीं कर पाता, ये है। अब ये चीज होती है, तो ये ना बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको पास कोई आता होगा, रोते हुए आता होगा, तो आपको लगता होगा अभी बाद में देखेंगे अपना, पहले इनका करते हैं। और बिल्कुल भी जो है ना, अब तो हम बिल्कुल सब वो कर देते, स्टॉप कर देते कि अब हमें चक्कर लगाना है तो भाई चक्कर लगाना है, और हेल्थ देखनी है तो देखनी है। पहले हम ऐसे करते थे, मैं सुबह बैठती थी और शाम तक अपॉइंटमेंट लेती रहती थी, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट, संजीव जी और मैं, वो संजीव जी अलग ले रहे हैं, मैं अलग ले रही हूँ। तो अब हमने क्या करा भाई, सैर करनी है तो करनी है, कुछ भी हो जाए, पैसा बंदा कमा लेगा लेकिन हेल्थ नहीं कमा सकता। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले हेल्थ भी है, तो हेल्थ के लिए जो है आप लोगों को मैं जो है स्विच वर्ड दिया है। और कई लोगों को नींद की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे रात को नींद नहीं आती है, ओके, तो नींद नहीं आती है, नींद बीच बीच में टूट जाती है, तो उसमें भी वो लोग जो है चैंट कर सकते हैं सोमा 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 सोमा, 108 बार भी नहीं आप बोल पाओगे, अपने आप ही नींद आ जाएगी। इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है, ये आप लोग जो है वो कर सकते हैं। और साथ में एक इसके साथ में अगर तिथि सर्वरोग पशुपनाए, तो आपने बोलना बोलना है साथ में, अगर हम अश्विना बोल देंगे, अश्विना 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 जो है अश्वनी कुमार, जो देवताओं के डॉक्टर, अश्वनी कुमार जो है वो देवताओं के डॉक्टर, उनका नाम है अश्विनी, उनका नाम से बना हुआ है अश्विना। आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि जिनके पास कलश होता है, अभी दिवाली आएगी तो सब उनको जो है पूछते हैं, तो जो है अब आपने क्या करना है, अश्विना चैंटिंग करनी है, अश्विना 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 108 बार सुबह बोलिए, 108 बार शाम को बोलिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, अब पहले हम मंगल से चले, अब हम जन्मपत्री पे भी जाएंगे, माँ के भी उपाय देखते हैं। अब साक्षी जी ने गॉड्स बताया आपको, वास्तु बताई। अब देखिए, आप पत्रिका से क्या कर सकते हैं, आप लोगों का अगर मंगल खराब है, मंगलबद है, मंगल पीड़ित हो रहा है पत्रिका में, ये एक जनरल उपाय है, पत्रिका दिखानी जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है, उससे पर्टिकुलर उसी घर का उपाय पता चलेगा जो आपको बिल्कुल टक करके लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये ना एक छल्ला होता है मंगलबद का, इसमें चांदी तांबा और सोना तीनों ही तीन धातु आप ये पहनिए, या आपको कोई भी सुनार बनाकर दे देगा, 1 ग्राम सोना डाल लीजिए, 1 ग्राम चांदी डाल लीजिए, 1 ग्राम तांबा डाल लीजिए, तो ये तीनों को मिलाकर इसका एक रिंग बन जाती है, तो उसे कर लीजिए, आपके जीवन में मंगल बद की नेगेटिव लोगों की नजरें लगनी बंद हो जाएंगी, आपके जीवन में खुशहाली आने लग जाएगी। मंगल खुशियों का कारक होता है। अब लोगों की शादियां नहीं होती है, शादियां नहीं होती, हमने इतने लोगों की शादी में जो भी मेरे पास आता ना, हाँ शादी टूट जाती है, वो तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई। अब शादी नहीं हो रही है, 37 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 39 साल के हो गए, वो कह रहे शादी नहीं हुई, 41 साल के हो गए, अब शादी नहीं हो रही है और शादी में प्रॉब्लम आ रही है। इनके घर में साउथ वेस्ट में या तो आपको बाथरूम मिलेगा, या आपको साउथ वेस्ट में इनके घर में किचन मिलेगी, और उसके बाद वो डायरेक्शन छोटी होगी, या वो डायरेक्शन छोटी होगी, या हो सकता है वहां पे मीटर का बॉक्स भी हो, या वहां पे सीढ़ियां पड़ती हो, मतलब कई सारी चीजें हो सकती है। अब जहां पर अगर, अब दूसरी बात ये कि साउथ वेस्ट में किचन है, अब वहां पर किचन में आपने ब्लैक कलर का मार्बल भी लगा दिया, अच्छा, तो वहां पर तो फिर भेड़ा कर गई हो गया वो बंदा, तो कहेगा, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे, वो कहते हैं हमने तो करनी नहीं शादी, हमने तो करनी नहीं, फिर उसके बाद सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है। जय श्री राधे। साक्षी जी, यही प्रॉब्लम एक हम गुड़गांवा गए थे, डीआईजी साहब थे, डीआईजी साहब का जो लड़का था, अब उनके बेटे की शादी हो गई, सेम यही प्रॉब्लम, एक ही डायरेक्शन में, आप क्योंकि 400-500 गज की कोठी थी, एक ही डायरेक्शन में जो साक्षी जी ने अभी बताई, नॉर्थ वेस्ट में उनकी जो है ना, 3 टॉयलेट लाइन से 1-2 फिर 1-3 तीनों, ना हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशन, जो डीआईजी साहब थे हस्बैंड कहां सो रहे थे, प्रॉफिट में, खूब उनको पैसा, मजे आनंद, वाइफ सो रही थी इस कोने में घर के, अलग दोनों, ठीक है, क्योंकि प्यार मोहब्बत सेक्स का जोन ही खराब है। जो उनके बहू बेटा थे, बहू घर में ही रहती थी अपने, वो बेटा अलग रहता था, 10 साल हो गए थे शादी को, बच्चा ही नहीं हो रहा था, ओके,
उनका जो डीआईजी साहब का जो लड़का था वो अपनी वाइफ के जब पास जाता था उसे एकदम से उसके हाथ पर कांपने लग जाते थे, क्योंकि वो बचपन से वहीं पला था, उसको सेक्सुअली प्रॉब्लम हो गई। ये वास्तु आप सोचो एक दिन में अफेक्ट कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे अफेक्ट कर गया ना उसको, कर गया बॉडी पे अफेक्ट वो चीज। तो जब जैसे हमने उसके बाथरूम को ट्रीट किया, दो तीन महीने में खुशखबरी आ गई। देखिए वास्तु से भी जिंदगी में बहुत इफेक्ट आता है, लेकिन सबसे पहले आपकी कुंडली है, आप कुंडली को अपनी ठीक कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आती है, बहुत ज्यादा जो है जीवन में प्रोग्रेस आती है कुंडली को ठीक करने से। बिल्कुल 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 साक्षी जी, बहुत अच्छी बात है। और अवश्य ही और अवश्य ही, जैसे साक्षी जी ने आपको स्विचवर्ड बताया कि इसको बोलने से नींद बहुत अच्छी आएगी, अब आप क्या कर सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में भी तो कोई उपाय होगा, आप रात को एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल रख के अपने सराहने रख लीजिए और उसे वो नीम के पेड़ पे डालिए, नेक्स्ट डे आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके काम इतने बनने लग जाएंगे, आपको नींद इतनी अच्छी आने लग जाएगी, या फिर आप एक मोर पंख भी अपने सिराने रख सकते हैं। सौंफ मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, एक सौंफ की थैली भी बनती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो पत्रिका देख के उपाय बताए, कहीं गड़बड़ ना जाए, कहीं शत्रु ग्रह ना बैठा हो उस समय। और ये वाले जो आपने बताया ये सब मतलब ये सब लोग कर, मोर पंख रख लिया, लोटा रख लिया पानी का, बड़ा सिंपल सस्ता। अगर नीम का पेड़ ना हो तो किसी और भी पेड़ में डाल दीजिए, हाँ जी, एकदम से आपकी सारी नेगेटिविटी काम धंधा भागने लगेगा। नेगेटिविटी के लिए तो मैं अच्छी जो है एक और दर्शकों को बताना चाहती हूँ, नेगेटिविटी के लिए अब जो है ये, जैसे अगर आपके कई लोग कहते हैं कि हमें तंत्र मंत्र की शिकायत है, और तंत्र मंत्र के लिए, तंत्र मंत्र के लिए ना हम कुछ एक पोटली वगैरह भी होती है हमारी जो कई लोगों को हम देते हैं, तो वो पोटली को भी अपने सर से वारकर जलाते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये तो बल्कि सभी लोग कर सकते हैं, जो अपने घर में बैठे बैठे सभी लोग कर सकते हैं। एक गिलास पानी लेना है, उस पानी में आपने जो है ना साथ में आपने बैठना है और उसके आगे पानी के आगे आपने रख लेना है, किसी टेबल पर रख लीजिए और साथ में बैठ जाइए, और आपने बोलना है तस्माने दया 51 बार, जिसको मैं 108 बार बोला है उसको 108 बार, जिसको 51 बार बोलना है उसको 51 बार, 51 टाइम्स तस्माने दया बोलिए। उस पानी के आपने लेना है और उसे छींटे मारनी है अपने ऊपर, ठीक है, और फेस को भी आपने छींटे मार लेनी है। उसके बाद उस पानी को आपने किसी पौधे में डाल देना है, पीना नहीं है, ठीक है। इससे आपका एकदम से कोई भी इमीडिएटली तंत्र मंत्र होगा ना, कोई किसी ने आपके ऊपर कर दिया, या आपको कोई नेगेटिविटी हो रही है, या आपको लग रहा है मेरा काम ही नहीं बन रहा कोई, या आपको लग रहा है क्या कहते हैं कि भाई मेरे को तो नजर लग गई है, टोटका हो गया, कुछ हो गया है, तंत्र मंत्र हो गया, मैं पार्टी में गया था, पार्टी में आके मेरे तो बुखार ही नहीं उतर रहा, तो ये तस्माने दया आप ये बोलेंगे 51 टाइम्स, सुबह भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ 3 दिन तक करना है, 3 दिन तक कीजिए, आप खुद कहोगे, पहले दिन ही आपको इफेक्ट नजर आ जाएगा, 3 दिन में तो आप बिल्कुल भागने लग जाओगे, और ये करते रहेंगे तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो इन सब चीजों के जो है ना हम कोर्सेज बहुत सारे लेकर आ रहे हैं, जो लोग पूरा डिटेल में पूरी जानना चाहते हैं भाई क्या चीजें होती हैं ये। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती है, ऐसे नेम न्यूमरोलॉजी होती है, ऐसे वास्तु होता है, जो है ये जो है एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी भी हम लोग ये पर्टिकुलरली एक चीज नहीं कराते कि भाई वैदिक वाला काम करवा दिया, हम तो आपको बताना सिखाते हैं कि कहते हैं कि जो है ना भाई ये प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोगों को आती नहीं है, पत्रिका देख लेते हैं लेकिन प्रिडिक्शंस नहीं आती है लोगों को, ये चीज़ बड़ी होती है। और मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में तभी आओ जब आप लोगों के ग्रहों को जो है ना अगर आप हैंडल कर पाओ, उनका तो ठीक हो जाएगा, आपका जो खराब होगा ना, ये मैंने ऐसे बड़े सारे एक्सपीरियंस देखे हैं मेरे साथ में, जो लोग करते थे, किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, किसी का कुछ डिस्टर्ब हो गया, किसी के घर में प्रॉब्लम आ गई, उनकी बीमारियाँ ठीक कर दी, और लोग जाके ऐसे एस्ट्रोलॉजर आजकल की डेट में जाओ आ जाओ तुम्हारे उपाय हम ही कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अरे भैया उसका थोड़े पैसों के चक्कर में उसका ठीक कर दोगे, अपना खराब कर लोगे, अपना पता नहीं क्या क्या चीजें खराब कर लोगे। तो आपको जो है ना ग्रहों को आपको समेटना आना चाहिए। आप किसी का उपाय करते हैं अच्छी बात है, उसको सही राह दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कितना स्ट्रांग कर रहे हैं, आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आप देख लो, सेल्फ हीलिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हीलिंग से भी इतना मैंने बताती हूँ कुछ नहीं होता, जो आपको
और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है लोगों की नेगेटिविटी को आपको करने के लिए। और आप देखेंगे कि जितने इतने सारे लोग हैं जो पहले उनके रंग साफ थे, लोगों की नेगेटिविटी ले लेके, कोई जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं, हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, उनके फेस जो है वो काले पड़ गए। आप इतनी लोगों की नेगेटिविटी ले ली। अब मेरे बड़े सारे नोन टू थे, वो हीलिंग करते थे, कई मुझे कहते हैं आप हीलिंग करोगे, खुद डिप्रेशन, वो खुद डिप्रेशन में आ गए, बताओ। तो इसलिए ना ये सब कुछ चीज़ें मजाक नहीं है, हर चीज़ को मजाक में मत लो। और कोई भी आपको ना राह दिखा सकता है, आपको क्या कहते हैं आपकी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। आप जो आपके कर्म है वो तो आपको भोगने हैं ना। अगर आप कार्मिक डेप्थ नंबर लेकर अपनी जिंदगी में पैदा हुए हो, आपका 13 नंबर है, आपका 14 नंबर है, आपका 16 नंबर है, आपका 19 नंबर पे अगर आपका जन्म हुआ है, तो पिछले जन्म का कर्म है आपका, वो कर्म को आप काटने के लिए आए हो। ओके, ऐसे ही आपकी कुंडली में भी पता चलता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और क्या करने के लिए आपका जन्म हुआ है। जब हमें ये पता चल जाए ना, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको पता है भैया, आपको पिछले जन्म में भाई से लड़ लुड़ के आए हो, अभी इस जन्म में भाई ने आपको लूटना है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना भाई कि चलो भाई। हाँ, तो अगर अब लोग कहते हैं राहु केतु शनि, राकेश जिसको हम बोलते हैं राहु केतु शनि, तो राहु केतु शनि के लिए लोग डरते हैं कि राहु केतु शनि। मैं तो कहती हूँ 7:30 में, संदीप जी आपका खुद का एक्सपीरियंस है, 7:30 में क्या हुआ हमारे साथ, लगा हमें 7:30। अब लोग कहते हैं कि 7:30 में इंसान बर्बाद हो जाता है। 7:30 में मैंने इतनी मेहनत करी, इतना कमाया, मैं टीवी पे 7:30 में आया, साधना, ईश्वर, श्रद्धा, कई न्यूज चैनल, एबीपी न्यूज पे। तो मतलब उसी दौरान 7:30 के दौरान, जिसमें लोग कहते हैं ओ भाई बर्बाद हो जाते हैं, लोग डराते हैं लोगों को कि आप खत्म हो जाएंगे, यही प्रॉब्लम है, फलान है, ढैया है, ये है, वो है, डरा डरा के मतलब लूट लेते हैं आजकल। तो शनिदेव कहते हैं भाई मेरे को क्यों बदनाम कर रहे हो, बल्कि शनिदेव अपने कर्मों का फल देते हैं पहली बात। और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्मों के साथ आपको वो इतना अच्छा फल देंगे। मैं 7:30 में राजा बन गया, राजा मैं बता नहीं सकता आपको। और मतलब 7:30 खत्म होते होते, मतलब ये लगा लीजिए जैसे शनि बकरी मारता है, 3 होते हैं ना, ढाई साल के 3 चरण, उसमें कई बार मतलब 8 साल की मेरी टोटल 7:30 रही। ओके, अच्छा ये भी होता है कि बकरी हो गया ना, शनि होती है 7:30 साल, वैसे 7:30 साल मतलब वो बकरी मार, अब जैसे शनि बकरी चल रहे हैं शनिदेव इस समय, अच्छा हाँ, तो कई महीनों से बकरी चल रहे हैं, तो ऐसे भी टाइम बढ़ जाता है, बकरी मतलब रिवर्स में आ गए, और फिर वो डायरेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है, होते नहीं है वो, स्लो डाउन होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं माइनस में जा रहे होते हैं, फिर जीरो पे आएंगे, फिर प्लस में जाएंगे, फिर प्लस में जाएंगे, इस तरह से। तो अभी 1 महीने बाद फिर जीरो पे आएंगे, फिर प्लस में जाएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4। अगर इस टैंजेंट में किसी की 7:30 चल रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि 7:30 में ही खत्म हो, आपको बड़े ऊपर आपको बढ़ नहीं रही, 7:30 की 7:30 साल की होगी, उसमें बता दे कि वो ऊपर नीचे होगा ये टाइम, लेकिन इम्पैक्ट 7:30 साल का ही रहेगा, इम्पैक्ट 7:30 साल का ही रहेगा आपको, ढाई साल के 3 हाउस, 3 चरण, 3 चरण में होते हैं, जब चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे शनि, जब चंद्रमा पे शनि, हाँ, और चंद्रमा पर शनि आएगा, तो फिर आपकी 7:30। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब मेरे 7:30 साल की जो 7:30 खत्म हुई, मेरे को उसमें ढैया भी लगी, जब पूरी हुई तो मेरे को ये नहीं सोचना पड़ता था कि मुझे, मैं टैग नहीं देखता था चीज लेते हुए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं टैग नहीं देखता था कितने की है ये चीज, मेरा मन करता था मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं ले लेता था, मैं ये देखता था ये कपड़ा चाहिए, मैं एक शोरूम में घुसता हूं ना, वो शोरूम वाले परेशान हो जाते हैं, मैं एक ही डिजाइन के 10-12 कुर्ते ले लेता हूँ, उसके कहते हैं बंदा क्या है ये, कैसी हरकतें हैं। और आप इस बात पे विश्वास नहीं रखेंगे, एक बात मैं आज आपको बता दूं, मैं फोन नहीं रखता, आप हैरान हो जाएंगे ये क्या बात करी, दो लेके घूम रहे हैं, मेरे पास 3-3 होते हैं, साक्षी जी के पास 3-3 है, 2 फोल्ड है, एक वो एप्पल का है कोई, वो तो मुझे पता ही नहीं है, वो 3 वो कैमरे वाला का, मुझे फोन नहीं चलाना आता, मेरे को 20 साल हो गए फोन नहीं रखा, 20 साल हैरान हो जाते हैं लोग, लेकिन जब ऑफिस में आते हैं जुड़ते हैं उन्हें पता चल जाता है गुरु जी
फोन नहीं रखते, मैं जेब में एक पैसा नहीं रखता, कई योग है मेरी पत्रिका में, इस वजह से हम लोग 24 घंटे एक साथ रहते हैं, कई योग है मेरी पत्रिका में कि मैं गड़बड़ हो सकती है मेरे साथ, मैं कर सकता हूँ गड़बड़। अच्छा हाँ, योग है तो मैं बचने के लिए ये उपाय है आपके, परहेज कर लेते। और आपसे आपके यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने से पहले हम अपने उपाय करके बैठे हुए डेली बिना नागा दे धना रोज करते हैं हम, रोज लोग बिल्कुल उपाय करते हैं, क्योंकि अगर हम उपाय नहीं करेंगे, हम जब हम नेगेटिव हो जाएंगे, हमारे मुंह काले हो गए, हम नेगेटिव हो गए, हम बीमार पड़ गए, तो क्या होगा, जो हमारे पास लोग आ रहे हैं ना उनको उपाय लगने बंद हो जाएंगे। ओ कहते ना यार उस डॉक्टर के पास गए, वो यार उसने पुड़िया दी मैंने खाई में ठीक हो गया, और एक मैं यार फोर्टिस के स्पेशलिस्ट के पास गया और मैंने दवाई खाई लाखों रुपए लगा दिए तबीयत ठीक नहीं, बीमारी डिटेक्ट नहीं। तो ये भी एक हुनर है, कहते हैं ना, देखा है ना आपने, कई डॉक्टर की दवाई लगती है कईयों की नहीं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ भी दवाई भैया उपाय लगते भी है कि नहीं लगते हैं, ये है ना शिकायत, आपको आने वाले टाइम में और पता चलेगी ये बातें। अब मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था पॉडकास्ट, है ना, कि उपाय नहीं लगते लोगों के, सारे देते हैं उपाय लेकिन असर ही नहीं आएगा। तो ये रीजन है क्योंकि वो लोग अपने उपाय अपने सत्कर्म, अब हमारी जो सुबह होती है हम पक्षियों को दाना डालते, एक बार ना आप अपना डे रूटीन बता दो ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, सुबह उठते ही हम दोनों पार्क जाते हैं, ठीक है, वहां हम 10-12 बिस्कुट के पैकेट लेते हैं फीके वाले, ठीक है, फीके वाले बिस्कुट के पैकेट हो गए वो जिसमें शुगर नहीं होती, कुत्तों को शुगर हो जाती है, कुत्ता जो होता है वो केतु होता है, ओके, केतु को मीठा नहीं देते, मंगल और केतु मंगलवद बन जाता है, तो आप बहुत हमारे... सारे लोग तो संजीव जी मीठे बिस्कुट ही देते हैं, वो गलत है, वो गलत है, अब वो अपने बुरा उसको फिर खुजली हो जाती है, कुत्ते तड़प तड़प के मरते हैं, क्या फिर वो खुजली जो है ना फिर वो आपके भी उसमें निकलेगी, क्योंकि केतु खराब होगा ना तो आपकी उस टाइम तो आपको अच्छा हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब प्रभु वही फिर शनिदेव साढ़ साथी फिर आप कहोगे शनिदेव गलत है, अरे भैया तुमने भी तो कुछ गलत किया होगा। अब सुबह हम उठे जी, हम गए पार्क, बिस्कुट लिए, डॉगीज दिखे, डॉगीज को डाल दिया, वहां गिलहरियां होती है, गिलहरियों को डाल देते, कौवे होते हैं, कौवे बड़े खुश होकर खाते हैं वो वाले बिस्कुट, कबूतर खा लेते हैं, और चीले चीले भी खाती हैं, तो हम खूब सारे बिस्कुट डॉगीज को उसको खूब खिला पिला के आ जाते हैं, वापस आते हैं आगे घर वापस, फिर अपना रूटीन जो भी शुरू किया, फिर हम जैसे दोपहर को या शाम के टाइम में थोड़ा 4-5 बजे के करीब हम जाते हैं पक्षियों को दाना डालने, ओके, पक्षियों को हम हरी मूंग की दाल डालते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, भिगो कर रात को भिगोते हैं और डालते हैं, बड़ा मजा आता है उनके लिए, वो रसगुल्ले, हाँ मजेदार रसगुल्ले वो खाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, और गर्मियों में तो वो अमृत है उनके लिए, गर्मियों में भीगी हुई दाल पानी की भी पूर्ति कर देती है और मजा ही मजा अलग। इंसान तो मांग के खा लेता है, पक्षी तो नहीं खा सकते, जानवर तो नहीं खा सकते। फिर गायों के लिए खीरे गर्मियों में, ओए होए होए होए, तरो बतर हो जाती है, वहीं पानी निकल रहा होता है उनके मुंह से, पागल हो जाती है यूं करके गर्मियों में खीरा खाते ही, कितना आनंद आता है उनको देख के। देखिए इन चीजों को प्रभु ने हमारे सामने ही चमत्कार रखे, प्रभु ने हमारे सामने सब कुछ दे रखा, मजा नहीं ले रहे उस चीज का, अब वो खाती है बड़े मजे से। फिर हम जैसे ये बंद होते हैं, बंद मीठे वाले, वो हम कौ और पक्षियों के लिए बंद भी डालते हैं, उपाय भी करते हैं साथ साथ में, क्योंकि मंगल बद है तो मीठा बंद कौओं और पक्षियों को डाल सकते हो, कौओं को हम डालते हैं, कौओं को कुत्तों को भी डाल सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। अब देखिए बाकी उपाय भी कोई भी कर सकते हैं डेली रूटीन में, अगर आपको क्वांटिटी से क्या फर्क पड़ता है, आप छोटा एक मुट्ठी ले लीजिए, है ना। अब मेरे मालिक आप, मेरे प्रभु आप, अपने ग्रह भी तो ठीक कर सकते हैं, पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालेंगे, आपका बिजनेस ओए होए होए, बुद्धि ओए होए होए, मजा आ जाएगा। आप अगर पक्षियों को ज्वार भी डालते हैं व्हाइट कलर की डेली, वो शुक्र ठीक करने, वो शुक्र अच्छा हो जाता है, जैसे मेरा शुक्र थोड़ा पीड़ित है, थोड़ा इनका पीड़ित है, हम 24 घंटे साथ रहते हैं, जय श्री राधे। जिनके अच्छे शुक्र है वो भी साथ नहीं है 24 घंटे,
हम साथ हैं। अब समझ में आया मैं क्यों नहीं रखता मोबाइल, क्यों नहीं रखता पैसे? ना बजेगा बांस, ना आएगी मेरी जीवन में कोई बांसुरी, ना आएगी नागिन, समझ गए ना, नागिन। तो ये परहेज है। तो मतलब आपके ग्रह ऐसे हैं कि गड़बड़ हो सकती है। हाँ, थोड़े योग है मेरी पत्रिका में, तो मैं परहेज करके भी तो बच सकता हूँ। तो फिर हम वो भी डाल देते हैं, फिर हम बकरियों को चने देते हैं भिगो के, काले चने रात को भिगो दिए, वो बकरियों को देते हैं। और बकरियां साक्षी जी करती हैं मैं, वो उधर से करती है मैं। मिलती कहां से आप लोगों को? वही में वही पाल रखी है किसी ने पाल रखी। तो 15-20 बकरियां पाल रखी हैं। तो वहां पे जैसे ही हमारी गाड़ी कोई सी भी जाती है, देखिए विडम्बना, तीन गाड़ियां हमारे पास, सुनिए, और हम जहाँ डालते हैं वहां से हजारों गाड़ियां निकलती हैं, सट 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 सट, एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता, इतने हॉर्न बज रहे होते हैं। हमारी गाड़ी वहां जाके खड़ी होती है, हॉर्न भी चाहे बजे ना बजे फट से पहचान जाती है गाड़ी, देखिए। और इतना बिजी वो चौराया है, एक तरह से शालीमार बाग में सिंगलपुर का पुल किसी से पूछ लीजिएगा, वहीं हम पक्षियों को दाना डालते हैं, वहीं हम बकरियों को दाना डालते हैं, वहीं हम गायों को भी खीरे डालते हैं, वहीं उसी के आसपास। तो वो बकरियों को देखो पहचान जाती है, आप बताओ। जानवर तो आपको पहचान ही जाता है ना, है ना? वो आप कैच कर लेते हैं। आप मुझे इसकी सेंस बताइए, तीनों गाड़ियों को पहचान जाती है वो हमारी, आप सोचिए इस बात को। अच्छा, ये हो गया। फिर छोटे छोटे नन्ने नन्ने बच्चे होते हैं, जैसे हम पार्क गए तो उन्हें सुबह सुबह नारियल पानी पिला दिया, जूस पिला दिया, फिर शाम को मिल गए तो आइसक्रीम खिला दी, नमकीन खिला दिया। हम गाड़ी में नमकीन रखते हैं, हम पैसे नहीं देते। देखिए जो सच्चाई है, कोई बूढ़ा वृद्ध मिल गया, पैसे तो होते ही नहीं आपकी जेब में, आप तो नहीं, इनके तो रहते हैं ना। नहीं, अच्छा, हाँ, आप साथ भी रहते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं साथ में इनके बंदे भी जाते हैं, तो उनकी जेबों भरी होती है। तो मतलब कुछ भी है, चाहे आप ये लगा लीजिए। क्यों साक्षी जी, मैं पार्क भी तो चला जाता हूँ अकेला, ना फोन होता है ना पैसे होते हैं, ऐसे चला जाता हूँ। जिम जाता हूँ मैं शाम को, कुछ नहीं होता मेरे पास, खाली हाथ जाता हूँ। फोन भी अगर इन्हें बात करनी होती जिम में फोन करती है, तब जाके मेरे से बात होती है। वो भी कहते हैं गुरु जी आप क्या चीज है। मैंने कहा पहला इंसान देखा जो बिना फोन बिना पैसों के घूमता है, देख लीजिए। और जैसे बच्चों को भी आपने सेवा करी, अब कभी कभार हमारा दिल करता है, वहां पे एक भारत नगर के गंदे नाला है, उस पे भल्ले पापड़ी वाला है। रुकिए मेरी प्यारी बहनों भाइयों, भल्ले पापड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके मुंह में पानी आ जाएगा एकदम से। भारत नगर, हाँ, भल्ले पापड़ी वाला बड़ा फेमस है वहां ना, भारत नगर का गंदे नाले वाला, जो कोई वहां आसपास का होगा एकदम से याद आ जाएगी उसको भल्ले पापड़ी की। वहां पे पार्क है, वहां बंदर अत्यंत बहुत जबरदस्त, वहां पे हम बंदरों को गुड़ चना केले खिला जाते हैं। अंधों की जरूर सेवा करते हैं। ओके, बुराड़ी में एक है जो पूरा आश्रम चलता है, उसमें पूरा सहयोग करते हैं, उनको जाके कभी खाना, कभी जैसे हमारे क्लाइंट्स है हम उनका नंबर दे देते हैं। ओके, तो प्रभु हमारी झोली में भी दो चार बूंदे डाल देता है, भाई अच्छे काम है, उनका काम चल रहा है, नहीं समझे? समझ गया। हम भी चले जाते हैं, वो सारे ब्लाइंड ही हैं, वो सारे ब्लाइंड रिकमेंड भी कर देते हैं, जैसे वृद्धा आश्रम हो गया, उनके नंबर दे दिए, हम भी चले जाते हैं। जैसे जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके पास चले गए, उनको। अब देखिए संजीव जी, लोगों को ना ऐसे समझ में आएगा, अगर आप मेंटली रिटार्डेड बच्चों की सेवा करते हैं ना, तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ये तो इमोशनली चलते हैं ना, तो ये जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चों की सेवा करते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है और आपका बुध अच्छा हो जाता है। अगर आप अंधों की सेवा करते हैं, अगर आप 10 अंधों को खिलाते हैं, क्योंकि 10वां घर आपका कर्म का स्थान होता है, तो कहते हैं 10 अंधों को ही क्यों खिलाए हम, 9 को क्यों ना खिलाए, 11 को क्यों ना खिलाए? तो वो इसलिए खिलाना होता है, 10वां घर आपको एक्टिवेट करना है, 10वां घर आपका कर्म का स्थान है। तो जब कर्म का स्थान का मालिक कौन है? शनि, और वहां पर मंगल होता है उच्च का। तो आप जब कर्म स्थान को आप एक्टिवेट करोगे, तो मंगल जहां पर वो उच्च का होता है, तो आपको काम करने की पावर देगा और आपके काम काज को बढ़ाएगा। ये कोई भी कर सकता है। जब हमें जीवन में कुछ समझ में ना आ रहा हो कि हमें जीवन में करना क्या है, तब आप ये अंधों का उपाय कर सकते हैं। और साथ में आप जो है
वृद्धाश्रम में जब आप देते हैं कुछ तो आप अपने मंगल को भी ठीक कर लेते हैं। और देखिए ये तो आप भगवान भी ना लोगों को चुनता है। कई लोग मैंने देखे करोड़ों रुपए हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका दिल नहीं है, दिल नहीं है। एक आटे की कटोरी नहीं देते वो, और बीवी दे देगी ना उसको, बातें सुना सुना के उसको परेशान कर देंगे। तो वो बीवी का भी जो ना वो छुप छुप के करती है। वो मुझे कई बहनों के फोन आते हैं कि मैम हम छुप छुप के कर रहे हैं क्योंकि हमारा पति कुछ करने नहीं देता, और वैसे इनके पास इतना पैसा है। तो ये भगवान भी आपको चुनता है कि आपने उपाय क्या, आप कितना दान करते हैं। तो एक बार की बात है कि हम एक रिक्शा जो है ना, एक रिक्शा चारे का एक रिक्शा हम डालने जाते थे, तो रिक्शा नहीं साक्षी, नहीं नहीं रिक्शा क्या बोलेंगे, बोरी, बोरी डालने जाते थे वजन, जैसे शुरू शुरू में शुक्र का एक उपाय होता है कि आप जैसे आपको बताया ना हमारे शुक्र थोड़ा सा वीक है, अब तो संजीत जी बड़ा सही, अब तो प्रभु की कृपा है, हमारे चेहरे देख के आप लोगों को समझ में आ जाता है कि शुक्र है। शुक्र का भी मैं आपको ना बताऊंगी कि इसका कैसे अच्छा करना होता है, क्योंकि लोगों को शुक्र के लिए वीनस को स्ट्रॉन्ग करना लोग बोलते हैं जब भी मेरी वीडियो होती है ना। पहले पहले हाँ, ये बात सुन लीजिए, अगर ये बात नहीं बताएंगे तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जीवन में। हाय, मैं उन सब लोगों को बता दूं जो मेरे को गाली दे रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं कि वरुण भाई प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि सब्सक्राइब कर लो, तो जितना हमने बोला है, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं, पर एनालिटिक्स देखने के बाद ये पता लगा है कि जितने एपिसोड में हमने बोला है कि सर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैम प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप देख देख के जा रहे हो, 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो रेशियो अब कम हो गया, 85% रह गया, पर प्लीज 85% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चैनल 100 के जल्दी से अचीव कर लेगा। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आई नो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खो जाते हो, तो मैं जल्दी से बस एक सेकंड का समय और लूंगा और बोलूंगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दिस इज योर चैनल, दिस इज योर डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाय। अब क्या हुआ, शुरू में हम जाते थे वजन के बराबर या वजन से 5 किलो चारा खिलाने का एक प्रावधान होता है, शुक्र को ठीक करने के लिए। तो हम जाते थे वहां पे, हम देखते थे कोई लोग एक ठेला पूरा जैसे होता है ना उसमें 10-12 बोरियां आती है, कई 2-2, 3-3 भी डालते थे। मैंने कहा यार हम डाल रहे हैं एक बोरी, ये डाल रहे हैं रिक्शे रिक्शे, तो बड़ा ही मतलब मन से एक इमोशनल हो जाते थे कि यार ये डाल रहे हैं हम नहीं डाल पा रहे, ऐसे हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे साक्षी जी और मैं। तो वहां पे चारे वाले ने बोला कि थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूँ पुरानी बातें याद कर, चारे वाले ने बोला कि आप आज एक बोरी डाल रहे हो ना, देखना थोड़े टाइम बाद अब डालनी शुरू करो, उसके बाद देखना आप कितनी बोरियां डालोगे। अब जो है ना भगवान की दया से ट्रक ट्रक भी चले जाते हैं वहां पर गायों को खिलाने के लिए। तो मतलब आपको आप ना शुरुआत कीजिए छोटे छोटे उपायों से। एक आप 10 रुपए का चारा डालिए, आप केले डालिए, आप बंदरों को कुछ खाने के लिए दीजिए, भगवान आप जब शुरुआत करेंगे ना तो आपके रास्ते खुलेंगे, और खुलते हैं, मैंने देखा है जो लोग उपाय करते हैं उनके रास्ते खुलते हैं, उनको हर चीजों से वो बच जाते हैं। अब शुक्र को आपने ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, शुक्र को ठीक करने के लिए संजीव जी बड़ा अच्छा उपाय बताते हैं कि अपनी वाइफ को चाय पिलाइए। ठीक है, ये तो सबको बोलते हैं कि अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाइए, तो अगर आप देखो आपकी काम वाली चाय बना रही है, आपकी मेड चाय बना रही है, तो कोई बात नहीं, आप उसका कप पकड़ के तो वाइफ को दे सकते हो, तो आप चाय पिलाइए, उससे आपका शुक्र वीनस स्ट्रांग होगा। और जो है आप अपनी वाइफ के साथ में जितनी मैनर से बात करेंगे, तमीज से बात करेंगे, उतना आपका शुक्र अच्छा होगा। वैसे आप माता लक्ष्मी आ जाए, माता लक्ष्मी आ जाए, माता लक्ष्मी आ जाए आप बोलते हैं, और शुक्र का आपको जो आपके घर में शुक्र बैठा हुआ है आपकी बीवी के रूप में, तो आप माँ के रूप में तो चंद्रमा बैठा हुआ है, बीवी के रूप में आपके शुक्र बैठा हुआ है। जिनकी मैरिड नहीं हुई वो, जो मैरिड नहीं हुए वो फिर वो चारा खिलाए, और या फिर प्रभु जी वो एक उपाय है कन्याओं को शुक्र अच्छा करने के लिए, दही से भी स्नान कर सकते। हाँ, शुक्र का क्या करना है, दही लेना है थोड़ा सा मर लीजिए, या बाल्टी में डालने कुछ नहीं, नहीं बाल्टी में बाल्टी में नहीं डालना, ये उल्टा हो जाएगा वो दूध, वो चंद्र चंद्र और शुक्र हो जाएगा। मेरी मत सुनना मैं कुछ ही बोल रहा हूँ, मेरी मत सुनना एक्सपर्ट्स। तो आपने पहले दही को मल लेना है थोड़ा, और उसके बाद उससे पानी डाल के आप स्नान कर सकते हैं, इससे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। स्किन की जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना सारी, जैसे स्किन की खुजली वुजली सोरेसेस ये वो, शुक्र की काफी बीमारियां हैं, वो सब ठीक होंगी, आपका सौंदर्य बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपके गाल निकलने लग जाएंगे, और शादी के रास्ते खुलने लगते हैं।
अगर शादी के लिए करना है तो दही से नहाइए, और जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उन्हें पेंसिल शार्पनर कॉपी कुछ दे दीजिए, क्योंकि मिश्री भी दे सकते हैं। क्योंकि सेवंथ हाउस के जो कारक, जैसे शुक्र तो लॉर्ड है सेवंथ हाउस का और बुध जो है वो कारक ग्रह है, तो दोनों को खुश कर दीजिए, आपके रास्ते खुल जाएंगे शादी के। परंतु भाई जो पत्रिका है वो जरूर दिखाइए, क्योंकि उस समय देखना पड़ेगा वहां पे कौन से ग्रह बैठे और कौन सी राशि। हमारी जो हाथ होता है, हाथ हमारा जो पाम है, पाम पे आपका जो ये जो माउंट है ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत है ये, और यहाँ पर अगर आप 24 लिखते हैं, आपका तो बर्थडे ही 24 है, तो 24 लोग लिखते हैं कि शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए, तो 24 लिखिए, और जिनका बर्थ डेट है वो 24 लिख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर के पेन से। और फिर उसके साथ में क्या करना है, आपने 24 लिखना है, ये आपको रेगुलर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, आपका लक इनहेंस होगा, शुक्र पर्वत आपका। अब एक ही चीज को बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो फिर यूनिवर्स भी आपको उस चीज को लेने के लिए मदद करता है ना। साथ ही साथ में आप यहाँ पर देसी घी की एक बूंद ड्रॉप, एक ड्रॉप देसी घी की लगाइए यहाँ पर, और उसको इस प्रकार से रगड़ सकते हैं आप, इसको ना रब कीजिए, तो इससे भी आपका जो है ना शुक्र जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छी जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम इस प्रकार से भी शुक्र को एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो आई हैव सम कम्युनिटी के क्वेश्चंस, मैं वो आपसे पूछता हूँ और आप उसके उपाय देते रहना। तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबके पर्सनल हैं। सो हम जनरल जो हमने क्वेश्चन नोट डाउन करें, जैसे कि किसी एक घर में क्या होता है कि फादर को अल्कोहल की समस्या होती है, तो एक वो उसके लिए परेशान होती है हाउसवाइफ, तो ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको उपाय मैं बताऊंगा इस चीज। देखिए क्या होता है कि अगर पत्रिका हो तो हम जकड़ लेंगे इंसान को, क्योंकि उस इंसान की इच्छाओं को हम बांध सकते हैं और वो अपनी इच्छाओं को खुद बांध ले। जैसे जैसे आपको नशे के आदि हो जाते हैं ना, जब तो ना आपकी बॉडी एक तो कमजोर हो जाती है, और फिर क्या होता है, जब एक नशे की आदत हो जाती है तो हमारा जो दिमाग है ना वो नशे में रहना चाहता है। जब वो न्यूट्रल हो जाता है ना दिमाग, तो इंसान कहता है मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, हम मुझे नशा चाहिए। तो आप जितना मर्जी रोक लीजिए उसको, जब तक उसको मन से नहीं आएगा कि मुझे छोड़नी है, तब तक आप नहीं छुड़वा सकते शराब या कोई भी नशा। ये मैं लिख के आप नशा मुक्ति केंद्र में भेज दीजिए, तब भी नहीं छोड़ो, अब वो आके पी लेगा। इसके लिए उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, उसका माइंड, उसका चंद्रमा जो उसे घेरता है उस चीज के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए जैसे अब भाई बहुत ज्यादा हो गई, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा पा रहे, गुरु के पास नहीं जा पा रहे, सात बताशे लीजिए, सात बताशे, बताशे बताशे, उसमें जो वो शराब पीते हैं वो डालिए थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, जैसे गोलगप्पे की तरह होते हैं बताशे भी, जैसे ना व्हाइट कलर के होते हैं, तो उसके अंदर हल्का सा उसको टक करके उसको थोड़ा सा उसका वो बना दीजिए, छेद बन जाएगा उसके अंदर, उसमें शराब चली गई, बूंद बूंद डाल, उसको क्रश कर दीजिए। ओके, और उसे वारिये उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, उल्टे कान से सीधे कान की तरफ ऐसे 41 बारी, 31 बारी, 21 बारी, 7 बारी, जितनी मर्जी मर्जी मारने दे, वो जाके अगर वो इंसान खुद शनि देव पे चढ़ा दे तो ऐसे 2-4 बारी करने से उसे कंट्रोल है। जी, जिसको पीपल के पेड़ पे रखवा दे तो ज्यादा बेटर है। पीपल के पेड़ पे भी साक्षी जी आप रखवा, कई लोग वहां पर चढ़ाने नहीं देंगे, तो आप पीपल के पेड़ पे रख दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जैसे आप क्या कर सकते हैं, सर से नमक भी वार सकते हैं, जैसे नजरे हो, तंत्र मंत्र हो, या रुई की बत्ती तेल में डुबो के, सबको आते हैं उपाय, वार के भी जला सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप उस इंसान की छुड़वाना चाहते हैं तो एक बार आपको पत्रिका दिखानी पड़ेगी। ये एक नॉर्मल उपाय है, नॉर्मल उपाय है, और जितना उसको आप अजवाइन का पानी पिलाओगे तो उसकी जो है ना इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बूस्ट होगी, और वो जो है ना उसके अंदर टॉक्सिंस निकल जाएंगे सारे, शराब डिटॉक्स होगी, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। ये भी एक आयुर्वेदिक उपाय समझ लीजिए। बिल्कुल। ओके, सो किसी का सवाल है, स्टूडेंट है, कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं एग्जाम से पहले, कि मतलब स्पेसिफिक ये लिखा है कि उस टाइम पे जब पढ़ने बैठते हैं तो कौन से रिलेटेड चीजें दिमाग में आती हैं। बहुत बहुत बहुत, मैं समझ गया। इसके लिए आप एक तो मैंने कहा था ना, जैसे दिमाग सेक्स की तरफ जा रहा है बच्चे का, या कंसंट्रेशन लेवल ठीक नहीं है, क्या किया जाए। आपने पीपल के बारे में सुना है, पीपल का पेड़? जी, पीपल का पेड़ सबसे बड़ा बृहस्पति है। ओके, क्यों है?
इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी देता है। एकमात्र पेड़ है आपको पता है, और कोई पेड़ ऐसा नहीं है। पहले क्या बोलते थे, भैया पेड़ के नीचे मत सोइयो भूत आ जाएगा। भूत नहीं, रात को हर पेड़ इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके दायरे में, तो बंदा कोलैप्स कर सकता है, बेहोश हो सकता है, वीक पड़ सकता है। पीपल का पेड़ दिन में भी रात में भी, कहते थे भूत प्रेत है, काटा भूत चढ़ जाएगा। क्या करते बेचारे हमारे साइंटिस्ट, पीपल के पेड़ पे आप दूध चढ़ा के उसकी गीली मिट्टी का तिलक करवाइए बच्चे को, या उस गीली मिट्टी को ले आइए डब्बी में रोज लगाइए, बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल तोबा तोबा। बृहस्पति एक्टिव, चंद्रमा एक्टिव, धैर्य, कंसंट्रेशन लेवल बहुत बहुत बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर सेवंथ एट्थ से नीचे का बच्चा है उसके सेकेंड हाउस की रेमिडीज करवाइए, अगर सेवंथ एट्थ से बड़ा बच्चा है तो उसकी फिफ्थ हाउस की रेमिडीज करवाइए, और अगर डिग्रीज में दिक्कत आ रही है तो एट्थ हाउस की रेमिडीज करवाइए। ओके। अगर ये भी नहीं करना चाहते, बाहर भी नहीं जाना चाहते, तो घर में ही दूध और हल्दी पानी में मिला के नहलाना शुरू कर दीजिए बच्चे को। ये तो हर कोई कर सकता है। सो नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे बहुत सारे अभी टीनेजर और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की दुनिया में, जो आपको आप नहीं आते बट आपको पता होगा सोशल मीडिया के जमाने में, कि लोगों के बहुत ब्रेकअप हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और ये सारी चलती है चीजें, तो उससे कैसे बाहर निकले? बिल्कुल। अब जैसे फिफ्थ हाउस जो होता है हमारा प्यार, फिफ्थ हाउस हमारा पढ़ाई भी होता है, फिफ्थ हाउस हमारा पब्लिक डीलिंग भी होता है, फिफ्थ हाउस हमारा जुआ सट्टा लॉटरी भी होता है। अब आपका प्रश्न है किससे? प्यार से। तो फिफ्थ हाउस आ गया। फिफ्थ हाउस किसका घर है? सूर्य का। ओके। और बृहस्पति का। आपका प्यार मोहब्बत देखिए टूट रहा है तो फिफ्थ हाउस में जो ग्रह है उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, लेकिन जनरल क्या कर सकते हैं आप, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। गर्लफ्रेंड से जब भी बात करें, जैसे आप पूरे दिन में करनी है, या बॉयफ्रेंड से, तो मुंह में चीनी डाल दीजिए जब मिलने जा रहे हैं। मुंह में चीनी डाल लीजिए, इलायची डाल के चली जाइए। इलायची, वैसे चीनी का बड़ा अच्छा प्रभाव आएगा, सूर्य बढ़िया हो जाएगा। मिश्री चीनी, मिश्री लेकिन चीनी प्योर, वो नहीं, चीनी चीनी डाल के पानी पी के जाना है घर से निकलते वक्त। घर से निकलते उससे क्या होगा कि गर्लफ्रेंड के ऊपर आपका इम्पैक्ट अच्छा है, इम्पैक्ट अच्छा है, मतलब गर्लफ्रेंड बात भी मानेगी। सूर्य को अब संजीव जी गर्लफ्रेंड भी चीनी पानी पी के आ गई और बॉयफ्रेंड भी आ गए तो क्या करेंगे? वो उसको कहेगा नाच बसंती नाच, वो भी नाचेगी, और वो कहेगा नाच जमुरे नाच, तो वो भी नाचेगा। फिर ये वाली बात हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया, एक तो चीनी का उपाय हो गया, और एक सूर्य को जल दीजिए, वो बहुत अच्छा है, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका आपका बहुत आप पॉपुलर हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, मतलब सूर्य अच्छा होना तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। करेक्ट। और बृहस्पति को भी आपने अच्छा करना है, इसमें साईं बाबा के आगे जाके मत्था टेक के प्रार्थना कीजिए, थोड़ी सी चने की दाल वहां पे रखाइए, प्रभु मेरी मेरी गर्लफ्रेंड मेरी ही रहे, मुझे प्यार करती रहे। या मैंने आपको बताया पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने वाला भी बताया, साईं बाबा वाला भी बताया, या ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण होते हैं उनको कुछ दक्षिणा देके आ जाइए। और संजीव जी मैं भी यहाँ पर उपाय बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, आप आगे देखते रहिए, आप जब प्यार का मुद्दा उठा है तो चलेगा, लव मैरिज कर रखी है, मजा आ गया जी। तो देखिए जो है ना, क्या कहते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों की फोटो जो साथ में हो, उसे आप अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में किसी अलमीरा में रख दीजिए, या फिर उसे जो है आप ब्लैक कलर के फ्रेम में लगा कर रख दीजिए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की फोटो का घर वाले अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर वो किसी अपनी उसमें रख दीजिए, वहां पर एक फोल्डर बनाइए, अपने फोल्डर में डाल दीजिए, ठीक है, ब्लू कलर के फोल्डर में, व्हाइट कलर के फोल्डर में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो आपका अट्रैक्शन जोन है। ये जो उपाय है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, ये आपके कपल्स के लिए भी है। कपल्स के लिए भी, कपल्स जो है ना अपनी अपनी जो है अट्रैक्शन जोन में अपने आप को रखेंगे तो उनके कपल का इंटरेस्ट भी उनके साथ में बना रहेगा, नहीं तो फिर वो बॉयफ्रेंड जो हस्बैंड उधर जा रहा है, वाइफ का उधर अफेयर हो रहा है, तो यहाँ पर ये चीजों से भी आप जो है रुकेंगे। हाँ, ये सवाल था कि अब जैसे कि क्या होता है कि ये पता भी किया जा सकता है कि उनका पार्टनर का कोई बाहर, हाँ ये तो कुंडली में आ जाता है कि आपके फादर आपके करैक्टर कैसा है, करैक्टर कैसा है, कुंडली में आएगा, कुंडली में आया था कि बार बार, अब कई होते हैं कि कईयों का एक ही अफेयर रहा,
अब कईयों का बार बार अफेयर होता है, ठीक है, तो फिर अब मेरे पास कई केसेस आते हैं, मेरे पास तो सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड ही केस होते हैं, सारी अपॉइंटमेंट रिलेशनशिप की होती है कि वो कहते हैं कि हमारे भाई पार्टनर हमें धोखा दे रहा है, हमारा पार्टनर ये कर रहा है, हमारा पार्टनर वो कर रहा है। तो मैं उनको बताती हूँ कि अपनी कुंडली को ठीक करो, क्योंकि छेद जो है ना वो आपकी थाली में भी है। आपको भगवान ने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम देकर भेजा है, तो छेद अगर हमारी थाली में है, हम उसमें अगर कुछ फेविक्विक लगा लेंगे या कुछ लगा लेंगे तो फिर वो हमारी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना, दूसरे के ऊपर ब्लेम देने से पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो आप ही ऐसा फेस कर रहे हैं। वास्तु, हाँ, वास्तु से भी आपने बहुत अच्छा, हाँ, वास्तु से भी आप देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सारी चीजों को क्लब करके कॉम्बिनेशन कितना, कॉम्बिनेशन करें तो कितना बढ़िया होता है। अब देखिए आप, अब वास्तु जो है ना, लोग बाग आप देख रहे होंगे लाखों करोड़ों, नॉर्मल आदमी दे सकता है। अब हमारे पास कोई नक्शा लेके भी आ जाता है तो हम ऑफिस में भी 11,000-21,000 में कर देते हैं, वही बता देते हैं सब कुछ, उन्हें काट के 32 डायरेक्शन खींचते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं वहीं से। कितना इजी हो गया, इंसान को देख के समझ के करना चाहिए ना। अब मैं आजकल सुनता हूँ लोग कहते हैं भाई 10 लाख 21 लाख और करोड़ करोड़ रुपयों की बातें चलने लगी है वास्तु में। अरे भैया गरीब आदमी क्या करे फिर, उसके लिए कुछ नहीं है दुनिया में। तो उसके लिए ना हम लोग कोर्सेज भी करवा रहे हैं, बिल्कुल, तो जैसे आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी का है, वास्तु का है, उससे क्या होगा कि लोग अपने आप ही सीख कर अपने घर में खुद तो कर सकते हैं ना, कि बेसिक रेमेडी एक उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे ग्रह क्या कर रहे हैं और वो हमसे क्या करवा रहे हैं। आप ज्यादा किसी को प्रोफेशनल नहीं आपको बनना, तो प्रोफेशनली भी हम कोर्सेज करवा दें तो कम से कम बेसिक तो आपको पता होगा ना कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैम ये मोबाइल नंबर वाली चीज ना एक बहुत नई है, मैंने किसी को नहीं देखा ये करते हुए, तो आई वांट टू नो कि आप मेरे ही नंबर से करो, क्योंकि मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे जितने भी लोग नॉन टॉक कम्युनिटी से देख रहे हैं। अब आपका जो मोबाइल नंबर है उसका कंपाउंड जो आता है वो 60 पे आता है। ओके, 60 का कंपाउंड जो है वो 6 पे जाएगा, आपका मोबाइल का नंबर का टोटल जो है, क्योंकि आपको ये जो आपके 10 डिजिट है, इन 10 डिजिट को आपको जो है प्लस करके एक डिजिट पे लेकर आना है, वन सिंगल डिजिट पे लेकर आना होता है। हाँ। तो आपका जो मोबाइल का जो टोटल है वो 60 पे आ रहा है, और 60 से आपका जो मोबाइल का नंबर आता है टोटल वो 6 पे आता है। तो 6 नंबर जो है वो वीनस का होता है। ओके। तो वीनस जो है आपके लिए जो है ना, वीनस अब आपकी कुंडली में भी कहाँ पर बैठा हुआ है ये भी चीज़ देखनी होती है। और दूसरी चीज़ जो है ना आपका इससे आता है कि यू हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है, कैश फ्लो आपके पास हमेशा आता रहेगा। और जो है ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग एक्टिंग की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, एक्टिंग की फील्ड में, इस प्रोफेशन के अलावा अगर आप एक्टिंग में अपना करियर ट्राई करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और प्रोफेशन से रिलेटेड नॉलेज जो है ये आपको सूट करेगी, और आपकी जो है जीवन में भाग्य उदय कब होगा, आपकी शादी के बाद, ठीक है। तो ये आपकी जो है मोबाइल नंबर जो है। और साक्षी जी, लेकिन जैसे बृहस्पति की इनको महादशा लगी, बृहस्पति सब राशि का 9th हाउस में, तो इसमें भी तो अफेक्ट, अब इसमें कुंडली काम आ गई देखिए। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये इसी प्रोफेशन में 6 नंबर पर। और संजीव जी देखिए, आपने देखा होगा कि इनके जो पॉडकास्ट हैं वो भी इनके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, है ना, तो ये चीज का बड़ा मैटर कर रहा है। देखिए वो बृहस्पति की दशा बोल रही है और 6 नंबर जो है वो वीनस का है, और वो कम्युनिकेशन का है, वो रिलेशंस का है, तो आप रिलेशंस को लेकर ना बड़े प्रोसेसिव रहोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भी बड़े प्रोसेसिव रहोगे कि भाई हाँ भाई तू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से इस प्रकार के होते हैं, रिलेशन को बहुत ज़्यादा मैटर और बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब हमारी तरफ से आपके लिए रिकमेंड जो है वो रिकमेंडेड मोबाइल नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5। ओके, 5 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन का है, 5 नंबर जो है वो आपका मर्करी का है, तो मर्करी आपको लाइफ में अपने और लेकर आना है, एड ऑन करना है, क्योंकि अब हम देखें तो अगर कुंडली में देखें तो मर्करी की पोजीशन देखेंगे और साथ में आपके मोबाइल नंबर को देखेंगे, तो यहाँ पर आप अगर मर्करी के नंबर पर लेकर आते हैं अपना मोबाइल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर अगर आप लेते हैं जिसका टोटल जो है सम टोटल 5 पे हो, 50 हो, 14 हो टोटल, या फिर उसका जो है 41 टोटल सिंगल डिजिट में जो भी 5 आ रहा प्लस करके जाकर वो 5 पे नंबर जो है वो जाके आएगा, तो वो आपको बेनिफिट देगा, वो मॉनेटरी वेज भी करेगा। साक्षी जी बहुत सुंदर। अच्छा देखिए, मुझे इतना जबरदस्त ढंग से स्ट्राइक की ये चीज, मैं आपको क्या बात बताऊं, आपका बुध खराब है। ओके, बड़ी अजीब सी बात मैं बताने जा रहा हूं,
आप बहुत ज्यादा सोचते हो, माइंड को एक सेकंड के लिए रेस्ट नहीं देते हो, 24 घंटे सोच 100%। ऐसे लोगों को कहता है भाई दिमाग थोड़ी देर के लिए रोक दे, नहीं रुकता, सोते हुए भी यही हाल है ना, सोते हुए भी। अब ये कैसे पता चला? जन्मपत्री से। और साक्षी जी ने क्या बोला आपको? हाँ। कि कौन सा नंबर ले? बुध वाला। कौन सा नंबर? 5। जय श्री राधे। लकी कलर्स जो है ना, जो आपको बेनिफिट करेंगे वो आपको ग्रीन करेगा, ठीक है, और अनलकी कलर्स आपके येलो होंगे, ठीक है, और साथ में आपको लकी नंबर 5 है, अनलकी कलर आपके 3, 2, 4 होंगे। अब आप जो भी लोग होंगे जिनका 3 सम टोटल, जिनका डेट ऑफ बर्थ का, जैसे सपोज कीजिए 12 नंबर वाला है और जो है आपका 3 नंबर वाला है, या फिर आपका जो है 2 नंबर वाला, 11 नंबर वाला है, 31 नंबर वाला है, 13 नंबर वाला है, तो ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, इनसे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। और न्यूट्रल नंबर आपके 16789 है, ठीक है, ये चीज़ है। और आपके लो शुक ग्रिड में जो है वो 3578 जो है वो आपके मिसिंग है, तो आपको 3578 पे काम करना है। तो मैंने आपको रिकमेंडेड मोबाइल नंबर कौन सा दिया? 5 नंबर, क्योंकि 7 नंबर और 8 नंबर अगर हम किसी को देते हैं ना, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू जाती है। 4 नंबर होता है राहु का, 7 नंबर होता है उसका केतु का, और 8 नंबर होता है शनि का। तो शनि से डिले हो जाता है, केतु से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, और 4 नंबर अगर देते हैं तो उसका जो है ना माइंड जो है ना वो कभी तो वो सीधे रास्ते चले जाता है। उसके अंदर भी सूर्य वाली क्वालिटीज होती है 4 नंबर में भी, 1 नंबर वाली क्वालिटीज, लेकिन वो इतनी सक्सेस जो है वो नहीं पा पाते कई बार, तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा होता है, उसको 4 नंबर की हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है, कॉम्बिनेशन होते हैं, पूरे प्लैनेट से भी देखते हैं और सारी चीज़ देखते हैं, तो ये फिर आपको बताते हैं कि आपके लाइफ में कौन सा वो गेम चेंजर नंबर है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जो 5 है। हाँ, नंबर 5 आपकी लाइफ में गेम चेंजर नंबर है, तो जो आपको हर जगह पर अपना जो है यूज़ करना चाहिए। अब आप इसको और कैसे यूज़ कर सकते हो, और इसको बढ़िया तरीके से कैसे यूज़ करते हो, दिस इज़ द ये आपका माउंट जो है, ये मरकरी का माउंट है। इस मरकरी के माउंट पर आपने ग्रीन कलर के पेन से 5 नंबर लिखना है, उसके ऊपर सर्कल कर लेना है। अच्छा, तो इससे आपको क्या होगा? ये सस्ता उपाय, ये सस्ता उपाय, घरेलू उपाय, फ्री का उपाय, देखिए है ना मजा। लेकिन 4-5 दिन में फर्क पड़ने लग जाएगा। तो आप जो आपका पैसा, बिजनेस सब बढ़ेगा। अगर मैं 5 नंबर पे जोर डालता हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग करता हूँ, तो मेरा ये वाला जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ इसमें फायदा होगा। आपकी बुद्धि सही कार्य में लगेगी। अभी आप विचार ही विचार, विचार ही विचार, फिर एक दिन ऐसा आएगा आप उल्टे सीधे रास्ते भी सोचेंगे। आता है अभी भी, बोलना नहीं चाहता मैं, बोर्ड का बोलो, खुल के कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके आपके ऐसे भी उल्टे सीधे रास्तों से भी पैसा कमाने के विचार आएंगे आपके दिमाग में। ओके, आते हैं, मुझे पता है। आप ओके मत बोलिए, मुझे पता है आते। अभी सीए से बात कर रहा था। तो क्या होगा, ये तो जन्मपत्री की। अब क्या हुआ, हमने आपके 5 नंबर को अच्छा करने के तरीके बता दिए, है ना, और घरेलू हाथ में यूं करके लिख लो, है ना, कोई उपाय नहीं, बैठे बैठे। इससे क्या होगा, आपका माइंड स्टेबल होगा। ओके, जो सबसे जरूरी है। अब ये बाकी सारे सुन रहे होंगे ना, ये कहेंगे माइंड स्टेबल क्या होते है। बात को नहीं समझ रहे ना, आपको पता कि माइंड स्टेबल हुआ ही नहीं। अब हार का स्वाद तो वही जाने ना जिसने हार के देखा हो, और जीत का स्वाद वही जाने जिसे जीत का पता हो। अब आपका क्या है, माइंड स्टेबल ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, और जहां स्टेबल हुआ आप दुनिया जीत लेंगे। क्योंकि ऐसी जो आपकी जो दशाएं चल रही हैं, ऐसा आपका जो वक्त चल रहा है, तो उसको हमें क्या करना है कि आपका भगवान ने वक्त अच्छा दिया तो उसको कैसे भुनाना है, जैसे बोल सकते हैं ना, कैसे उसको आपको टारगेट करना है। और अब देखिए, लोगों की पत्रिका, लोगों के मोबाइल नंबर में, जिनके एक टिप देते जा रही हूँ मैं आपको, जिनके मोबाइल नंबर में 14 और 41 का कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे लोगों के क्या होगा, कोर्ट केस, लीगल एक्शन, स्टक मनी, ये लगा रहेगा उनके साथ में। पैसा आपका अटक जाएगा, आप मांग ही नहीं पाएंगे पैसा। होता है, नहीं होता, मांग पाते हैं आप पैसा? ये इनकी में नहीं है जी जी, ये एक एडवाइस है। एडवाइस, अच्छा अच्छा अच्छा, कि इनके में नहीं है। तो ये 14 और 41 आप लोग चेक कीजिए आपके मोबाइल में। अगर अच्छा अच्छा, आपको कॉम्बिनेशन की बात, कॉम्बिनेशन की बात भी कर रही हूँ मैं, अगर ये आपके मोबाइल में आता है 14 या 41, या आपके मोबाइल में बहुत बार 8 आता है, तो डिले ही होता रहेगा, स्ट्रगल आपका खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग स्ट्रगल ये। और 7 अगर आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा आता है,
तो उनके रिलेशनशिप बार बार टूटते हैं, बार बार जुड़ते हैं, बार बार जुड़ते हैं, बार बार जुड़ते हैं, हमेशा उनको रिलेशनशिप से लेकर ही प्रॉब्लम्स उनको आती है। और अच्छे नंबर कौन से, वो भी लोग सुन रहे होंगे तो खुश भी हो जाए थोड़े। देखिए हाँ बताती हूँ मैं आपको, अच्छे नंबर अगर आपके जो है कॉम्बिनेशन में 2-1 और 1-2 आएगा तो आप जो है बड़ी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपका फेस बड़ा अट्रैक्टिव होगा। और ये देखिए ये बड़े, ये ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाइए, अब अगर आप लेते भी हैं, अगर ऐसा नंबर जाके ढूंढते हैं और लेते हैं, हम लोगों को बताते भी हैं कि आपको इस ये नंबर ले लीजिए आप जाकर। अब मेरे पास आते कई हमारे क्लाइंट्स हैं, वो जब जिन्होंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी करा तो कहते हैं कि कौन सा नंबर ले, फिर मैं कहती हूँ ये नंबर ले लो भाई, ये गुड कॉम्बिनेशन है, जाओ और जाके ढूंढो। मोबाइल नंबर या जैसे कि बहुत सारे गाड़ियों के नंबर होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, गाड़ियों के नंबर होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, ये भी आपको अपने अपने जो आपके मिसिंग नंबर्स हैं, लकी मिसिंग नहीं, अच्छा। लकी नंबर्स हैं okay. और मिसिंग भी है उनकी फिर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है जो आपके पास नहीं है। आपके पास 6 बहुत है, आपके पास बहुत 6 है, मतलब अब आपके पास 9 बहुत है, 9 नंबर जो ना 1999 ठीक है ये आपके उसमें आ रहा है, तो 1999 जो नंबर आ रहा है आपके पास 9, तो 3 नंबर ये हो गए, बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 9 आ रहा है तो आपके पास 4 बार ऑलरेडी 9 हो गया, यानी मंगल की पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है ठीक है। अब उसका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो वो आपको कई बार क्या होता है आपसे मिस भी हो जा सकती है ठीक है। दोस्ती यारी अच्छी है ठीक है, लोग आपको दुनिया में फायदा करवा देंगे, लोग आएंगे आपको फायदा करवा के चले जाएंगे, ये आपकी लोशो ग्रेड बताती है ओके ठीक है ना। लोशो ग्रेड न्यूमरोलॉजी वाली, न्यूमरोलॉजी वाली होती है, और ये उसके साथ में हम अपना कॉम्बिनेशन में चलते हैं, तो कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि वो सारी चीजें जो है वो पूरी एक्यूरेट दिखाती है, फिर वो सारी चीजें ठीक है जी। अच्छा थोड़े से मैं जल्दी से सवाल ले लेता हूँ कि हम, मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स लिखे थे जिसपे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप क्विक रेमेडीज दे देना उस पर। सबसे पहली पैसों से रिलेटेड चीज कि कुछ लोगों का उधार, कुछ लोग होते हैं कि कर्जे में ही चढ़ते हैं, तो चढ़ते जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पैसा तो दे देते हैं पर वापस नहीं आता। हाँ, जो लोग पैसा दे देते हैं और वापस नहीं आता है उसके लिए है टैक्सल मेलिज्मा 51 टाइम्स चैंट करना है, ये आप चैंट कीजिए। और जो है जब भी आप अपना ये क्या कहते हैं, जब आप उधार किसी से मांगने बैठ रहे हो, उधारी लेने के लिए बैठ रहे हो, तो आप क्या करो उसको, आपने क्या करना है, आपने साउथ ईस्ट में बैठकर आपने पैसा मांगना है अपना, साउथ ईस्ट में बैठ के कॉल करें, या साउथ ईस्ट में, ये वास्तु से नॉर्थ ईस्ट में बैठो, या नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट में बैठकर मांगो, तब आपको वो सपोर्ट भी करेगा, सपोर्टिंग जोन में आप जाकर बैठोगे तो तब जाके आपको पैसा आएगा। और अगर अगर जो जनपत्री से देखें तो चावल की चांदी की डिब्बी में चावल भर के रख लीजिए, माता से ले लीजिए आशीर्वाद लेके, तो आपका पैसा आएगा भी और फंसेगा भी नहीं ठीक है। और जो लोग कर्जे में फंसते जाते हैं, हाँ कर्जे में फंसते जाते हैं, जैसे कोर्ट केस भी कह सकते हैं आप ठीक है, अच्छा दोनों के लिए सेम चीजें काम करती हैं, कोर्ट केसेस हैं, और जो है अगर कर्जा है आपके ऊपर बहुत, जैसे पैसा नहीं आ रहा है, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आपने कॉन्वा लेक्सा कहना है, कॉन्वा लेक्सा। अगर कोर्ट केसेस है तो आप जो है उसके लिए आप करेंगे अरमेंटिकोज, ये आपके कोर्ट केसेस, लीगल एक्शन और पैसा फंस जाना, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। और अगर कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं तो आपने क्या करना है, 10 छुआरे लेने हैं और वो लाल कपड़े में बांध के जेब में ले जाइए कोर्ट में, और कहीं डीलिंग में बैठे हैं या पैसा फंसा हुआ है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, किसी मीटिंग में है जिसका सोल्यूशन निकलना है, तो आप चांदी का बुरादा ले जाइए और वहां पे छिड़क दीजिए, आपके हक में वो मीटिंग होगी। वाह संजीव, ये तो आपने वो पर्सनल वाला बता दिया। अच्छा आप करते हो यही? नहीं, हम नहीं करते, हम बड़े रेयर बताते हैं, ये जिनको हम अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट में बताते हैं सारी, कई बड़े सीक्रेट। अच्छा ये प्रीमियम कंटेंट आपने दे दिया। अब जैसे कोई गर्लफ्रेंड मान ना रही हो, वहां जाके चांदी का बुरादा घेर दीजिए और कहिए आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू। नहीं सही बात है मतलब ये मीटिंग में आपकी जीत हो जाएगी, एक जैसे एक दो मीटिंग, वैसे तो एक में ही मैंने देखा हो जाता है। तो एक मेरा भी पर्सनल सवाल आ जाएगा इसके बीच में कि बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, मतलब हाथ रुकता ही नहीं है जहाँ पे। साक्षी जी के पास वास्तु के हिसाब से भी बड़ा प्यारा उपाय है, पैसे मेरे ऐसे निकलते हैं थर थर थर, फिर बाद में रिग्रेट होता है कि ज्यादा खर्च कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में पैसा सेव नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए कि आपके घर के अंदर साउथ साउथ वेस्ट की एक डायरेक्शन होती है, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, वहां पर अगर आप येलो कलर का डस्टबिन रख देंगे
येलो कलर डस्टबिन रख दीजिए, चाहे उसमें दो चार कागज डाल के रख दीजिए, तो वहां पर अगर आप साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो हमारी डिस्पोजल की होती है और वो जो उस डायरेक्शन में आप अगर आप ये रखते हैं तो वहां से आपके पास में पैसा बाहर जाना बंद हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो आपका होना बंद हो जाता है और खर्चे ज्यादा होते हैं ना संजीव जी, उसमें हम ये भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि आपका 12th house जो होता है हमारा खर्चों का होता है, तो वो खर्चे के को कैसे कंट्रोल करना है, आप अपने कुंडली के 12वें घर की रेमेडी भी कर सकते हैं और उससे भी आपके खर्चे, और जैसे पैसा आए पैसा जुड़े इसमें भी जैसे उपाय जो है, जैसे आप 10 सिक्के कटोरी में एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए कांच का, उसमें 10 सिक्के डाल दीजिए और डेली उसमें एक एक सिक्का कोई भी डालते जाइए, वो जब सिक्के खूब इकट्ठे हो जाए तो आपने उसे घर में रखने हैं, उसमें से खर्चने नहीं है। अच्छा, ये उपाय है, ठीक है, ठीक, आप ये कह सकते हैं। बाकी साक्षी जी ने जो आपको बताई दिया वास्तु से भी बता दिया जी, हेल्थ से रिलेटेड कि हेल्थ के लिए कि एक पूरी फैमिली की अच्छी हेल्थ रहे उसके लिए क्या टिप्स होगी आपको बताया है, और अगत इति सर्व रोग पशमनाय ये भी आप बोलिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, और जो है हेल्थ के लिए आप जो है कच्चे दूध से स्नान कीजिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, रेगुलरली लेकिन आपको करना पड़ेगा 20 दिन 21 दिन, इससे काफी फर्क पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली साक्षी जी ने पहले बता दिया दूध से नहीं है, उसमें आप क्या कहते हैं हल्दी डाल दीजिए थोड़ा सा, और बाकी जैसे क्या होता है कि अगर आप कुंडली दिखा के ये उपाय करें तो दैट इज मोर बेटर, वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेट रहता है। और साक्षी जी वो भी आप बता दीजिए जहाँ पे वास्तु के हिसाब से जिससे हेल्थ थोड़ी अच्छी रहे, हेल्थ की जो है ना आपको इम्यूनिटी अगर आपने बढ़ानी है ना तो आपको जो है क्या करना चाहिए कि आपको अपने घर के जो पॉजिटिव जोन्स होती हैं तो उसमें आप स्वास्तिक लगा सकते हैं, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और साथ में आप जो है हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक हमारे नॉर्थ और ईस्ट में आप एक इंगला पिंगला नाड़ी की पिक्चर लगा सकते हैं, वो मैं आपको पिक्चर दे दूंगी तो आप स्क्रीन पे लगा देना, ठीक है, तो वो इंगला पिंगला नाड़ी की पिक्चर आप लगाइए, उससे भी आपका हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट, बाकी पथरी से हेल्थ बीमारियां बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी बीमारी होती हैं। अब जैसे कैंसर की बीमारी है तो वो आपको जो है क्या होगा, क्या कहते हैं कि आपकी वो नॉर्थ ईस्ट से देखी जाएगी, कैंसर अल्सर टीबी की बीमारी आपके नॉर्थ ईस्ट में होगी, अगर आपकी कुंडली में भी अगर कैंसर के योग हैं और आपको वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट वाला नॉर्थ ईस्ट के अगर किचन वाला घर मिल जाता है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि आपको कैंसर होना ही होना है। अगर कुंडली में नहीं है, आपको कैंसर का प्रॉमिस नहीं है, तो आप जो है आपको कोई इसका वास्तु इफेक्ट नहीं करेगी फिर। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कई लोगों ने वेस्ट की डायरेक्शन में बहुत सारा क्लटर रख रखा होता है, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं आता, पैसा ही नहीं आता, पैसा ही नहीं आता, रोते रहते हैं, तो उसके लिए आप अपने घर के वेस्ट को चेक कीजिए। और वेस्ट को भी आपने कैसे चेक करना होता है, लोगों को वास्तु जो है वो चेक करनी नहीं आती, वास्तु की डायरेक्शन कौन सी आपकी वेस्ट है और कुंडली में आपकी वास्तु की कुंडली के हिसाब से आपकी पैसों की डायरेक्शन कौन सी, आपका 7th house, आपका 11th house, आपका 3rd house, सेकेंड हाउस, तो हम तीनों हाउसेस को ना एक्टिवेट कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए एक्टिवेट रहते हैं, तब तक आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, फिर आप बचाओ या ना बचाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने तो आपके हाउसेस को एक्टिवेट करवा दिया। अब उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है, आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, फ्लो आना शुरू हो गया, अब एक इंसान है उसके पास कुछ पैसा ही नहीं आ रहा और उसके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो ये बहुत बढ़िया है, फिर आप छोटे छोटे उपाय भी करते रहिए साथ साथ में, तो ये चीज़ होती है। अब वास्तु का भी जो है ना लोगों को क्या करना होता है कि अपने अच्छी तरीके से आपको चेक करना है कि वास्तु में आपको घर के सेंटर में खड़ा होना है, आपके हर कमरे का आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं चेक करना, आपको घर के सेंटर में खड़ा होना है और कंपास को आपको इस प्रकार से खोलना है, कंपास से आपने घर के अपने फेस को अपने घर के बाहर की तरफ रखना है जो आपका मेन गेट है वहां पर खड़े हुई है, और उसके बाद आप चेक कीजिए कि मेरा नॉर्थ ईस्ट का जा रहा है, मेरा वेस्ट का जा रहा है, मेरा ये ईस्ट का जा रहा है, वेस्ट का जा रहा है, फिर वहां से देखिए वेस्ट का जा रहा है तो वहां पर वेस्ट में आपको उसको क्लटर फ्री कीजिए, नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री कीजिए, ठीक है, और उसके साथ में नॉर्थ वेस्ट को जो हमारे जोन्स है जो 32 डायरेक्शन होते हैं, 32 डायरेक्शन होती है, लेकिन हमारे कुछ जोन होते हैं जो मेन 4 जोन है, एक वेस्ट है, एक आपका नॉर्थ वेस्ट है, एक आपका जो है साउथ ईस्ट है, ठीक है जी, और एक आपका जो है ये नॉर्थ वेस्ट है, ये 4 जोन जो है आपके नॉर्थ की डायरेक्शन भी है, ये 4 जोन जो है आपको अपॉर्चुनिटी भी लाएंगी, पैसा भी लाएंगी, हर चीज आपके जीवन में करेंगी। ओके, जैसे कि एजुकेशन के लिए बच्चों को कहाँ पर बैठकर पढ़ाएं, अगर वो कोई डिग्री का कोर्स कर रहा है, डिग्री का मतलब जैसे कोई
जैसे कोई MBA और क्या कहते हैं कि जैसे कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो फिर वो ईस्ट की तरफ बैठे, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो ईस्ट की तरफ बैठ कर उसकी तैयारी करें। अगर कुछ ये डिग्रीज जैसे MBA वगैरह हो गया, ये कोई उस प्रकार की डिग्री, मास्टर्स डिग्री हो गई, तो वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन बैठे। और जो बच्चे हैं वो बैठे वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ कर पढ़े, उससे उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी। और जो बृहस्पति का उपाय शुरू में बताया था कि बच्चों की स्टडीज अच्छी, और हल्दी 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 जो है हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, और जो पीपल के पेड़ पे स्टडीज का जो बताया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो जाएगा। परफेक्ट, सवाल खत्म हो गए मेरे, पर आप लोगों का ज्ञान नहीं है ऑफकोर्स, ऑडियंस के सवाल खत्म हो गए मेरे, तो अभी मैं 2 घंटे और बात कर सकता हूँ आपसे। बट चलो, तो लास्ट सवाल मेरा सबसे यही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। अब वो बता दीजिए, कुछ फीडबैक और कुछ भी आप देना चाहो। हाँ, तो आपकी जो है तरक्की बहुत होगी और जीवन में बहुत प्रोग्रेस है, बहुत प्रोग्रेस है। बस जो है ऐसे ही चलते रहो ईमानदारी के साथ और बड़ी तरीके से, तो और जीवन में बहुत कुछ होगा, लाइफ में बहुत कुछ देखना है। अब तो आप बच्चे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप तो ज़्यादा बोलते नहीं तो मैं आपको परेशान भी नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया मेरे को, बहुत कुछ जानने को मिला। ऑडियंस भी, आई होप कि सबके आंसर्स के जवाब उनको मिल गए हों। एंड एक और सुपर हिट एपिसोड आ रहा है बस लोगों के लिए।